गुड आफ्टरनून टू ऑल। माननीय मुख्य अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण, फार्मेसी स्टूडेंट्स और सभी श्रोताओं को हमारी फार्मालोक संवाद टीम की तरफ से प्यार भरा अभिनंदन। मैं डॉक्टर पूजा अरोड़ा, डायरेक्टर प्रिंसिपल ग्लोबल रिसर्च ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं संवाद कार्यक्रम का संचालन करने एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। अब समय है हमारे रिस्पेक्टेबल पैनलिस्ट का आप सभी से परिचय करवाने का। हमारे सभी पैनलिस्ट शिक्षा और रिसर्च क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दे चुके हैं और दे भी रहे हैं। सर, आप सभी तो एक पारस हैं, सोना पल में करते हैं, या कुशल शिल्पी कहे जो पत्थर को सुघड़ मुहूर्त में ढलते हैं। हमारे पहले पैनलिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर आर के खार, डायरेक्टर BS अनंतपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी फरीदाबाद, जो फार्मेसी फील्ड के जाने माने एकेडमिशियन और रिसर्च साइंटिस्ट हैं। हमारे सेकंड पैनलिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर जीडी गुप्ता, डायरेक्टर कम प्रिंसिपल ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी मोगा। सर एक बेहद कुशल एकेडमिशियन और रिसर्च साइंटिस्ट हैं। हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं डॉक्टर दीपेंद्र सिंह, मेंबर ऑफ PCI, प्रेसिडेंट ऑफ APTI एंड सेक्रेटरी ऑफ IPA ग्रांच छत्तीसगढ़। हमारे अगले पैनलिस्ट हैं श्री रंजीत बार्शीकर, CEO QBT इंटरनेशनल, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जिंदगी में हमेशा एक नया पाठ पढ़ाती है जी, हमारी सोच बदलने के लिए। इस प्रोग्राम का आज का विषय बेहद गंभीर और विचारणीय है। स्टूडेंट्स कम बैक टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी इन पैंडमिक, व्हाट टू नो एंड डू, अ संवाद। कोरोना के दौरान और पश्चात स्टूडेंट्स का कॉलेजेस में वापसी करना, इस स्थिति में शिक्षा का स्वरूप, चैलेंजेस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, विभिन्न सावधानियां, इस मंच द्वारा आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास हम करेंगे संवाद के रूप में। कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ शब्द इस विषय से हटकर कहना चाहूंगी। कल का दिन हम सभी के लिए एक बड़ा दुखदायी था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आदरणीय डॉक्टर जयराम पटेल हमारे बीच नहीं रहे। मैं फार्मालोक की टीम के कोऑर्डिनेटर श्री अमित झा से अनुरोध करती हूं कि वो श्रद्धांजलि स्वरूप कुछ पंक्तियां कहें। जी धन्यवाद मैम, एक बार पुनः आप सभी आदरणीय पैनलिस्ट का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कल हमारे आदरणीय डॉक्टर जयराम पटेल सर, जो कि प्रिंसिपल थे रोंगटा कॉलेज ऑफ फार्मेसी छत्तीसगढ़ में, और दिल का दौरा पड़ने के कारण वो हमारे बीच में अब नहीं रहे। सर की छायाचित्र इस स्क्रीन पे शेयर की गई है और मैं आप समस्त वरिष्ठ और विशेष जनों से आग्रह करना चाहूंगा कि हम सर के सम्मान में, सर के व्यक्तित्व के सम्मान में अपने भाव व्यक्त करें और सर को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करें। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आदरणीय खास सर को। हम लोगों को सबको इट्स अ ग्रेट लॉस टू ऑल ऑफ अस। He was one of our very, very sincere and a dedicated and committed teacher, and he rendered his services to the profession in all different ways in different years, and we pay our humble homage to great soul. Let us, sit in silence, you know, or stand in silence, whatever is possible in under the current situation, to remember the soul and pay homage to him. Just sit in silence for just 60 seconds, that's all. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Over to Pooja. और हमें थ्रूस ओवर। थैंक यू पूजा मैम। आज इस फार्मालोक के मंच पर आप समस्त आदरणीय गुरुजनों का, सभी शिक्षाविदों का स्वागत करता हूं, और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस क्रम में मैं सबसे पहला क्वेश्चन ऑनरेबल प्रोफेसर आर के खार सर से करूंगा। इन परिस्थितियों को देखते हुए
सर मेरा क्वेश्चन खास तौर से ये है कि हम देख रहे हैं कि अभी हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज रीओपन की स्थिति में हैं, हमारे गाइडलाइन आ चुकी हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, और हम सभी इस कोशिश में हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से शिक्षा का जो माहौल है यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में वो दोबारा से चालू किया जाए। और आपने देखा कि इस टाइम पे पेंडेमिक के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी चलाई गई, और आपका बहुत बृहद अनुभव है ऑफलाइन क्लासेस का, सारा कुछ आपने दिया है, तो इसी विषय में मैं पहला क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा सर, पूछना चाहूंगा कि क्या समस्याएं हैं अभी और क्या अनुभव है आपके, हमें क्या करना चाहिए जिससे ये शिक्षा पद्धति हमारी दोबारा से पटरी पे लौट सके और सारा कुछ सुचारू रूप से और सही ढंग से सेफली और सिक्योरली चल सके। प्रोफेसर खार सर। यस यस, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई थिंक वी हैव टू टेक अ डिसीजन एंड वी हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर वी कैन नॉट जस्ट कीप ऑन विटनेसिंग इट। I think, you know, if we look at our own country and the scenario of COVID and its spread and its all what the current situation is, I think by and large we are moving ahead and recovery rate is more than 95%. And there are many, many states and there are many universities which have also started offline classes. I think we have to start and take a step with great caution. With great caution and following the COVID guidelines as have been laid down by Government of India and even by WHO. And there are certain things which are very important. I will just list two or three things only. Number one, we have to take a decision to start offline classes. Yes, we have to start this decision. Two, the classes have to be conducted in a very orderly manner. Suppose, and most of the institutions have 60 intake in either in diploma or in degree courses, they have to be done in two batches, as you must be already knowing that we cannot have more than 30 students in one class. And if we have 100 students in a class of B form, in any of those first, second, third and fourth, they should be held in four batches. You know, that would be very, very important to know. One. Then next, I think by next year, I mean 2021, we expect that, you know, COVID vaccine has already been successfully proven and manufactured in India. And as a matter of fact, you know, the clinical trial phase 3 is almost completed, more than 15,000 patients, which is one of the largest numbers in the global level. And let me tell you, I have a news also that most likely that this vaccine, which is produced in India, particularly Biotech India and other one, they are going to get approvals by the end of this year, maybe by 30th and 31st. And after that, there's going to be some psychological sort of, you know, people will feel more confident because those people who are prone to infection, who are susceptible to infection, who are vulnerable to infection in large numbers, they will be protected immediately. But at the educational level, we have to take care in a different way. I think, you know, another thing which is very, very important, you know, there is some class of people in rural and as well as semi-rural areas, which I have seen and interacted. They think COVID infection does not exist at all. I think we have to deal with this class of population by proper scientific knowledge. I come across many people in a day who think that this is all a farce. It is only an industry going up and all that, you know. Let us, in a proper way, in different medical terms, in pharmaceutical way, try to make understand such parents, such students, that we have to be very, very careful. We have to be very, very careful so that we are able to thwart the infection. Third thing is, you know, we cannot have 100%
we cannot have 100% theory classes. Let us be very sure, because you are conducting in different batches, you can have classes of say in batches means 50% going for practicals and 50% going for theory at the same time. And maybe another batch of classes, some students, some teachers will conduct offline classes as well. I think we'll have to cover offline classes, online classes, at least for 25 to 30% of syllabus. We have to select the main topics. We have to select the principal fundamental topics of different subjects, so that these theory knowledge base could be rendered through online way as well. So I think we have to blend and have a synergy of offline and online for some time, till COVID-19 actually subsides. So that will be down the line another 5 to 6 months. So let us see, by the month of April or May or June, if we are able to recover from COVID and being able to protect ourselves, we'll be able to do it. Then every college should be able to also have a specific monitoring committee, because I know students, youth, you know, they are many times very, very careless, you know, and you need to have it is the institutional responsibility to sanitize the surface sanitization, the room sanitization, and to monitor if the distancing rules are followed, and to monitor if the masks are being used by students during the lecture and after the lecture, so long as they are in the premises. Then last but not the least, which is very important, is that we have to have a better digital empowerment. You know, there are many areas, there are many places where digital empowerment is poor. And our IT facilities have to be improved. Our IT data infrastructure has to be improved to have a robust networking connections in the institutions and in the places where this education is imparted. That's from me. Thank you very much. I thank Pharmalok and particularly Mr. Amit Ji for creating this platform for exchange of ideas between students and teachers. Thank you all and everyone for your kind attention. I hope I was audible. Eh? Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Thank over you. To the coordinator. Over to the coordinator. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Very nice suggestion, sir. Now my next question is from Ranjit, sir. Sir, jo aaj corona ki stage hai, hum is stage mein kitne surakshit hai, sir? हमारी सेफ्टी मतलब हमारी सेफ्टी अभी कहाँ तक है? हम लोग सब लोग प्लान कर रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने का सर. अभी तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी सर. नो डाउट हमने ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत कुछ सीखा है. पहले तो ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, ऑनलाइन क्लासेस में हमने डिफरेंट एप्स यूज करनी सीखी है. ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से ली जा सकती है, हमने गूगल मीट पर क्लासेस ली, जूम ऐप पर क्लासेस ली, कुछ इंडियन एप्स हमने यूज की. नो डाउट इट वॉज इनोवेटिव. बट सर ये वाला सिस्टम जो है वो ऑफलाइन को रिप्लेस नहीं कर सकता. कहीं ना कहीं हमने ये नोटिस किया कि स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन की कुछ कमी रही इन क्लासेस के चलते. तो सर हम लोग रेडी हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए, तो प्लीज आप बताएं हम कितने सेफ हैं ऑफलाइन क्लासेस को लेके. ओके, थैंक यू वेरी मच अमित जी. थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर खार सर जी फॉर नाइस preamble and initiating the discussion. I appreciate very much. To answer your question, Pooja ji. Ji sir. Let us slightly go back few months and before I actually answer your question. See, this virus is thought to spread mainly from person to person, mainly. Right. And now whole world knows, every individual in the world knows that person to person it is a major spread. Between people who are in close contact with one another within 6 feet, 5 to 6 feet distance. It also is spread through respiratory droplets, is also well known. And that is why the use of mask protecting the mouth and the noses of the people
who are nearby and possibly by inhaled into the lungs, the droplets can cause the infection. Once we know this kind of training has happened a lot in initial few months in India as well as globally. And accordingly now, most of the people are taking themselves good care of it. In the light of that changes in the situation and all the various measures taken by the union government as well as the state governments together, the situation is very much improving in India very fast. I am repeating, Pooja ji, the situation is very much improving in India and it is very fast. If you see, there was few months ago, there was a time of more than 1 lakh infections per day. And the latest figure of yesterday says the infection rate is 18,000 per day. You see, drastically it has come down. And active cases, which are hardly 3% in India, little more than 1 crore people were infected. Most of that, almost more than 96%. So out of little more than 1 crore, around 3 lakh people are still infected and getting a right treatment by various agencies all over India. The death rate is also the lowest in the world, in India, less than 2% on an average all over India. So if you, from that perspective, and the highly populated areas, for example, in Mumbai, it is one of the area which is Dharavi, which is known as most populous, the closest houses, and in small rooms, people, 5, 6, 7 people stay in one room, cannot be separated more than a feet or 2 feet. Very true, sir. Also, today, the situation is not a single infected person is existing. Can you imagine that? That's a great effort taken by the state government as well as central government together. And that is how the situation has changed. We have been always talking of physical distancing, wearing masks, keeping rooms well ventilated. Now, when we are talking of the institutions, we have to first educate, train, or counsel the parents of the students. Along with that, we have to brief them what care the universities, colleges, and the schools are taking care. Right, sir. Wearing the mask, keeping the school rooms or college rooms or offices of the colleges well ventilated, avoiding crowds, taking care of your own hygienes, taking care of coughing into bent elbow or on tissue, and checking with local advice where these students will be together. All these efforts together have to be communicated to the parents of the students. Once they are convinced, they will send definitely the children or the university students back to the offline education. Now, here important thing we have to keep in mind. This kind of challenges which are being faced by the authorities, the teachers, the principal, the administration in the universities and the colleges, and the schools.
first of all, they have to demonstrate themselves. Maybe I have seen one colleges here near Pune. They invited all the parents to the institute and explained them what care they are taking for students so that they will be protected from the infection. One is, first thing was to take care by at the entrance, take the temperature, then have their hands cleaned with the soap or sanitize their hands. When they go to the rooms, the distance of 6 feet from all the sides, whole room is sanitized, the benches and the tables sanitized, all touch surfaces are sanitized, untouched sanitizer bottles are kept everywhere, soaps are kept in the bathrooms, the urinals in the bathrooms are kept at a proper distance. In between two urinals, the third one in at the center is blocked so that it will not be used, so two students doesn't come in contact with each other. And most importantly, maintaining the safety for the well-being of the everyone involved. And when we talk of these kind of procedures, there are SOPs which have been issued by the Ministry of Home Affairs, Government of India, that how to use playground, libraries and laboratories, what to do in break time, what kind of regular cleaning and disinfections are required in the school or the universities and the classrooms of the colleges. If the school buses or college buses are running, then how to handle the transport system, what care is needed while the student board the bus and when they come back home. All those precautions are part of the SOPs, have to be properly listed by the institute and communicate it to the parent. This is how they are taking care. And obviously, I have seen some of these institutes in Maharashtra where even small kids in the schools, more than 10 lakh students have started attending it. When such messages are sent across to the parents and psychological impact is removed from the minds of the parents about the safety of their children. And this stigma attached to the COVID-19 has to be slowly removed. And that is why thermal screening is essential at the entrance, where those, when we see go or when we go into various malls, even the shops, everybody is taking care of that. And children who are also going to mall along with the parents, they are also checked for that. So institute also can do the same thing. And the staff and student belonging to the containment zone shall not attend the school. You see this issue. The containment zone is a red zone in the defined by the government. Those students should not attend. Those teachers should not attend. So this little segregation will give tremendous confidence to the parents. And over and above, what is important is avoid spread of rumors. Trust the authorities. Ensure everyone has access to the accurate and right information. And remove false claim about the whatever rumors are being spread at various groups or various sections of the society. So we need to take care, and let me assure you that to our students who are listening today, that you are very much in comfort zone now since last more than 2 to 3 months, and things have changed drastically in India. The everyday cases are reducing, and whole credit also goes to individuals, the population in India, people in India, and the parents and teachers together. So I am very confident the offline
institutions, the colleges, universities, and the schools should be restarted with high level of confidence. Nothing to worry. Thanks a lot, sir, for valuable suggestions. Over to Ajit, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Next question के लिए मैं रुक करूँगा प्रोफेसर डॉक्टर जी डी गुप्ता सर का. सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब हम देख रहे हैं हमने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज स्टार्ट कर दी हैं, रीओपन हो गई हैं, बच्चे ऑफलाइन आने की ओर हैं, बट फिर भी हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. तो गार्जियंस के लेवल पे, स्टूडेंट के लेवल पे, तो आपका एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और आप बच्चों को कैसे कन्विंस कर रहे हैं, कैसे गार्जियंस को कन्विंस कर रहे हैं ताकि उनकी प्रेजेंस बढ़े और ऑफलाइन वो हमारी फुल स्ट्रेंथ में पहले जैसे आ सकें और बाकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को कुछ गाइडेंस मिल सके, तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा सर. प्रोफेसर जी डी गुप्ता सर. थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर अजीत यादव जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल फार्मा लोक. दिस इज द वन ऑफ द एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म, सो वी कैन जॉइंटली वी कैन शेयर अवर व्यूज. एंड आई एम ऑल्सो thankful to this is the whole of the committee or the members, and you have given the opportunity like one of the wonderful, knowledgeable and very very experienced personality like a Professor Khar, Mr. Ranjit ji, Dr. Dipinder Singh ji, and number of the audience or participants, they are also involved. So the question is very nice, and the information given by Professor R.K. Khar sir and Ranjit ji, this is the very very nice and effective, and most of the weekends we are implemented in our college and universities is also given the guidelines. Lekin jo main cheez kehna chahunga wo main sirf aur sirf practical baat karunga, because the official thing is the already given, what is the actual problem and what our parents they are thinking. Nowadays I can say that there are the four component. One component is the official bodies like a Pharmacy Council of India, AICT, UGC. They are regularly giving the circular for the offline classes or the rules and regulations. Another part is the important, this is known as the state government. And third part is the affiliating university. And fourth one is the itself a college and university. So what I am thinking over here, any professional body with the guideline, you can start the college. It is very difficult to we can implement immediately. After that, the state government regularly they can be giving the circular. Jaisa hi Punjab government ne ek circular issue kiya ki aap 11th of November se you can start your college aur bachcho ko aap bulana chalu kar. Ye circular jaise hi jata hai ke paas, यूनिवर्सिटी इमीडिएटली कॉल अ मीटिंग और एजेंडा डिसाइड किए जाते हैं हाउ टू ऊपर. ऐसे खास तौर पर भी सजेस्ट किया है, एंड आई फील प्राउड टू से ओवर हियर इन पंजाब सिचुएशन इज गुड. और मैं अपना मैं बताना चाहता हूं कि 100% ऑफ एमफार्म स्टूडेंट दे आर अटेंडिंग ऑफलाइन क्लासेस इन द इंस्टीट्यूट. 100% होल ऑफ दी सिक्स ब्रांच एम फार्म हमारे पास है, छह की छह ब्रांचों की, थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा फिजिकली प्रेजेंट इन द इंस्टीट्यूट. एंड एज पर दी गाइडलाइन जैसा डिसाइड किया गया था, और जो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जैसे सर ने कहा 6 फीट की डिस्टेंस और कॉरिडोर सैनिटाइज एवरीथिंग यू कैन डू इट पेपर वर्क में करने में इट इज वेरी इजी जॉब, बट वेरी डिफिकल्ट इज द चैलेंज ऑफ दी हॉस्टल. क्या करें हॉस्टल में जहाँ 50 हमारे पास 500 लोगों के रहने की व्यवस्था है, 3 महीने 6 महीने 700-1000 की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? इज इट नॉट पॉसिबल? दैट इज वाई, बिकॉज दिस इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. सो रिजॉल्विंग दिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वी हैव ऑल्सो कॉल अवर ओन अकेडमिक काउंसिल मीटिंग एंड वी हैव डिसाइड दैट कि 50% ऑफ द ऑफलाइन स्टूडेंट बी इन्वाइट इन द कॉलेज. तो आज की डेट में जो एक्चुअली हमारे पास 3 पैटर्न पर काम हो रहे हैं, एक वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो बी फार्म फर्स्ट ईयर हमारे पास 100% क्लास अटेंड कर रहा है, एम फार्म फर्स्ट ईयर 100% क्लास अटेंड कर रहा है, फार्म भी फर्स्ट ईयर कर रहा है, और एम फार्म बोथ क्लासेस.
यानी कि फर्स्ट ईयर का जो भी एडमिशन हुआ है दे आर अटेंडिंग द क्लास. इसका एक रीजन बताते हैं, बिकॉज आई नो दैट द स्टूडेंट इफ दे आर नॉट ट्यून विद द सिस्टम, अगर हमारी लैबों से हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से अगर ट्यून नहीं होंगे, ऑब्वियसली दे कैन कन्वर्ट इन द कम्फर्ट जोन, उनको एक हैबिट हो जाए. आज हम जैसे थर्ड की बात करते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर की बात करते हैं, सेवन सेमेस्टर की बात करते हैं, वो स्टूडेंट बहुत जल्दी एक ग्रुप बनाते हैं बिकॉज दे फील दैट कि उनके लिए बहुत ही प्रोसेस हो गया पास होने. सो दैट वी हैव डिसाइड टू कि पोस्ट ग्रेजुएशन उसके लिए करें, तो जो हॉस्टल में एकोमोडेशन है वो इजी हो जाता है. आज जैसा आपने पेरेंट्स की बात कहें, तो आपको मैं बता दूं कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, लेकिन आज का बच्चा ही नहीं चाहता है कि मैं कॉलेज और स्कूल जाए. उसका एक जो मेजर कारण है कि जो कॉलेज का स्टूडेंट है उसको ये पता लग गया है बिकॉज कि दिस इज द सिचुएशन, वो एक ग्रुप बनाते हैं, हस्ताक्षर वाली एक सीरीज भी चल रही है कि हस्ताक्षर करिए, हस्ताक्षर करिए, हस्ताक्षर करिए. तो मैंने एक इसका सेशन लिया था, ओपन सेशन टू ऑल, आप कोई मॉड पॉजिटिव मॉड रखिए. आप 80,000 रुपए फीस दे रहे हैं साल की, सिग्नेचर करके 3,20,000 दे जाइए और सिग्नेचर करते रहिए और 8 साल में डिग्री करिए. सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वी नीड टू गिव द नॉलेज, वी नीड टू गिव द स्किल. जब हम आई कॉन्ट हम कितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथन कर लें, बट फार्मेसी के फील्ड में मैं ये कह सकता हूँ दिस इज नॉट अ सर्टिफिकेट कोर्स. ये 3 महीने 6 महीने की डिग्री नहीं है, इट इज रिक्वायर्ड प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज एंड रेगुलर क्लासेस एंड आई कॉन्टेक्ट इज आल्सो एसेंशियल एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स. आपको ये बता दें, जब यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि हम ऑफलाइन मोड में ही सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन लेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं जितने भी सप्लीमेंट्री के लड़के थे, और उन्होंने दूसरा नोटिस क्या निकाला कि आई डोंट से दैट कि यू कैन अटेंड द ऑफलाइन एग्जामिनेशन, नो प्रॉब्लम, आप जब वापस आना चाहेंगे लेकिन ऑफलाइन ही देना होगा. पूरे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, कोई भी एब्सेंट नहीं. सो अनदर थिंग भाट जो मैंने अपने कॉलेज में की है, तो एक तो हमारे पास दो बड़े चैलेंज है, एक चैलेंज है हॉस्टल स्टूडेंट्स और दूसरा चैलेंज है दे आर कमिंग फ्रॉम दी बसेस. हॉस्टल स्टूडेंट चूंकि मोबिलिटी कंट्रोल बाय द इंस्टीट्यूट, लेकिन जो बसों से बच्चे आ रहे हैं वो कितने लोगों के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, कहाँ खाना खा रहे हैं, कहाँ मूवमेंट हो रहा, उनकी फैमिली में प्रॉब्लम क्या है, किन लोगों से मिल रहे हैं, किस चीज की कोई भी जानकारी हमें नहीं हो पाती. लेकिन एक राउंड में अगर आप देखें हमारा सिस्टम पर देखें, फर्स्ट राउंड आई एम थैंकफुल टू द पंजाब गवर्नमेंट आल्सो, उन्होंने इंस्टीट्यूशन को एक चिट्ठी लिखी है कि कोविड टेस्ट पूरे स्टूडेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा और उनकी टीम कॉलेज में आती. मैं 2 बार अपने टीम को बुला चुका हूं और 350 लोगों का टेस्ट करा था, वो रिपोर्ट हम अपने पास रखते हैं. इसके बाद हमने एक जो मॉनिटरिंग काउंसलिंग सेल फॉर दी कोविड-19 बनाई है, उसका सिर्फ एक ही कंसेप्ट है कि ये छिपाने वाली बीमारी नहीं है. अगर आपको खांसी है, बुखार है, आपके फैमिली में प्रॉब्लम है, यू कैन इमीडिएट टू द कॉन्टेक्ट, सो दैट हम उस पर प्रिकॉशन ले सकें. एंड थैंक गॉड बोथ ऑफ द टेक्निकल यूनिवर्सिटी MRS PTU एंड IKG PTU दे हैव कोलैबोरेटिवली डिसाइड दैट कि 50% एक्मोडेशन के साथ, यानी कि हम 50% क्लासेस को ऑफलाइन बुलाएं और बच्चे आ रहे हैं, लेकिन जो समस्याएं होती हैं वो समस्याएं हुई हमारे यहाँ, ट्रेन की समस्या हुई, बसेस की समस्या हुई, आने जाने में तकलीफ हुई, उसके लिए थोड़े सी रहे. लेकिन आज हमारे पास 15 स्टेट का बच्चा है, आसाम से लेकर के, कैलकटा से लेकर के, मुझे अभी तक या बिहार से लेकर यूपी ले लें, देयर इज द नंबर ऑफ द प्लेसेस, हर जगह का बच्चा लगभग लगभग कॉलेज में पहुंच चुका है. आज भी हमारी टीम वहाँ कॉलेज में 4 लोग होंगे अवेलेबल, कि कोई बच्चा संडे को आ रहा है तो पहले हम उसको प्राइमरी, हमने 10 रूम बना रखे हैं, जैसे बच्चा आता है उन 10 रूम्स में रखते हैं और 5 दिन तक, गवर्नमेंट 14 दिन कहती है, मैं झूठ बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं इतनी आइडियोलॉजी दिखाना भी नहीं चाहता हूँ, मैं उनको 3 से 5 दिन तक उनके रूम में ही भोजन पहुंचाने की व्यवस्था करता हूँ. कहते हैं कि मिनिमम कॉन्टेक्ट रखो बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस, ट्रेवल करके आए हो, और इस समय जो हमारी जो क्लासेस का मोड चल रहा है कि जो हमारा ऑनलाइन मोड है,
एक्चुअली हमारी ऑनलाइन मोड से जब क्लास चलती है तो बहुत रेंज में चलती है। मैक्सिमम कोर्स भी आता कवर राइट नो हम कहते 60% कवर कर दिया इन द ओनली 20 or 25 क्लासेस। तो जो ऑफलाइन मोड में है थोड़ा हमने 15 दिन रिवीजन का मोड रखा सो दैट जो लोग ट्रेवल में है जिनको हमने आइसोलेशन में रखा है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो पेरेंट्स को ये समझाना बहुत जरूरी है कि व्हाट टाइप्स ऑफ द फैसिलिटीज व्हाट टाइप्स ऑफ द थिंग्स वी आर प्रोवाइडिंग द ओवर हियर। और मैं दिल से कह रहा हूँ और पूरा सोच के कह रहा हूँ और जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि पेरेंट्स को 1% ऑब्जेक्शन नहीं है बिकॉज दे नो दैट इफ द बार्ड हर व्यक्ति को अपने बच्चे से प्यार होता है लेकिन इतना प्यार करके क्या करें कि घर में वो 90% टाइम दे आर द वेस्टिंग इन द टीवी एंड द मोबाइल। क्लास चल रही है उसको ऑन कर दिया वो अटेंड कर रहा है नहीं कर रहा है सबको पता है। सो दैट दीज टाइप्स ऑफ द थिंग्स वो जानते हैं। आपको ये बता दें जब COVID-19 लॉकडाउन हुआ हमारे पास काफी बच्चे थे और उनमें 25 ऐसे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स कहते थे घर नहीं भेजना है आप ही रखिए बिकॉज दे वांट टू गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू बिकॉज एवरीबडी नो दैट कि दिस इज द सिचुएशन एंड इट इज द बेटर वे आर यू आर। हमारी जिम्मेवारी हम डॉक्टर लगाते हैं हमारी जिम्मेवारी हम चार चार काउंसलर लगाए हुए हैं चेकिंग में लगाए हुए हैं। तो लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप ना करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काम करते हैं। तो मैं सभी से पेरेंट्स से निवेदन करूंगा बच्चों से निवेदन करूंगा कि आप अपने भविष्य को आई एम थैंकफुल टू द गॉड कि फार्मेसी में पहले मुझको ये लग रहा था लॉकडाउन के कारण एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन सबसे ज्यादा मुझको इस साल प्रॉब्लम हुई और वो प्रॉब्लम ये थी कि 100 सीट की जगह पहली बार मेरे पास 250 फॉर्म थे बी फार्म के लिए और जितनी सीटें हैं उससे 3 गुना फॉर्म ज्यादा थे एम फॉर्म के लिए। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इन अवर कॉलेज। तो आई एम थैंकफुल टू द सिस्टम कि हमने एक सिस्टम पर काम किया और लोगों का विश्वास फार्मेसी की तरफ बढ़ा है। मैं समझता हूँ हर स्टेट में लगभग हर कॉलेज में लोग आए हैं विश्वास दिखाया है। तो अब हमारी जिम्मेवारी है हम सभी प्रोफेशनल की जिम्मेवारी है कि वी कैन गिव द गुड थिंग अपने बच्चों के लिए हम जरूर काम करें उनकी केयर और उनको प्रोटेक्शन उनको विश्वास दिलाने की। सो दैट ये छोटी मोटी सिचुएशन है आज अखबारों ने न्यूज देना बंद कर दिया है छोटी सी न्यूज आती है टीवी चैनल पर खबर नहीं है सिर्फ एक एजुकेशन अभी मुद्दा है जैसे ही बुलाते हैं उनको लगता है बच्चे पैसे अच्छा बच्चा आ क्यों नहीं रहा है वो सोचते हैं एक महीने और नहीं जाएंगे तो बच्चे पैसे बच जाएंगे एक महीने और नहीं जाएंगे तो हॉस्टल के पैसे बच जाएंगे 60% फीस बच जाएगी। इस सबका सफरर हुई इज द सफरर। तो इस सारी चीज को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे लीडर्स हैं जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं दे विल टेक टू डिसाइड दैट कि ऑफलाइन मोड इतनी तारीख से स्टार्ट मींस स्टार्ट। तो मैं समझता हूँ हर बच्चा वहाँ अवेलेबल होगा अगर कोई बच्चा किसी कारण से नहीं आ पाता है तो वी कैन गिव द अपॉर्चुनिटी विदाउट वीकेंसी सप्लीमेंट्री। ये यूनिवर्सिटी से भी डिसाइड किया है और हम लोगों ने भी एक सोचा है बिकॉज नो डाउट कई बार प्रॉब्लम हो सकती है जैसे सर ने भी कहा है कई डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं कई विलेजेस हो सकते हैं या कोई ऐसा अंचल हो सकता है जहां पर आज कोविड की ज्यादा हो सो दैट रेड जोन हो सकता है लाइक दैट बट उस टाइप की कोई प्रॉब्लम अभी लग नहीं रही है। तो पुनः इस माध्यम से मैं जरूर कहूंगा कि अब समय आ गया है अगर अभी हम देर करते हैं तो बच्चों के मन में एक मानसिकता हो जाएगी। देखिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कहती है कि अभी हम बी फार्म के लिए टेस्ट रखेंगे अभी दीपेंद्र जी बैठे हैं अगर ये ज्यादा चला तो बी फार्म के लिए एक और टेस्ट रखना पड़ेगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिग्री व्हाट इज योर नॉलेज तो हमारे लिए काम बढ़ जाएगा। तो बच्चों से मैं भी यही कहूंगा पेरेंट्स से यही कहूंगा कि सभी इंस्टीट्यूट जिम्मेदार हैं वहां पर काम करने वाले लोग जिम्मेवार हैं आप वहां पर आए। हाँ ये अलग बात है कि हमारी जिम्मेवारियां ज्यादा बढ़ गई हैं सो दैट हमें काम ज्यादा करना पड़ रहा है लॉट ऑफ यू कैन से 2 times हम ज्यादा काम कर रहे हैं। तो इन सारी प्रक्रिया के लिए हमें पेन लेना पड़ रहा है आप भी थोड़ा सा पेन लें और कम्फर्ट जोन से बाहर आकर के जो आपने भविष्य को सुनिश्चित किया है उसमें आगे बढ़ने के लिए आप नया स्टेप एक जरूर उठाएं। थैंक यू वेरी मच ओवर टू पूजा। थैंक्स अ लॉट सर आपने हमें बहुत अच्छी डायरेक्शंस दी सर। अब इट्स अ हाई टाइम टू स्टार्ट ऑफलाइन क्लासेस हमें भी कुछ आपकी बातें सुन के सर कॉन्फिडेंस लेवल हमारा भी थोड़ा बूस्ट अप हुआ है इस चीज को लेके। माय नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू दीपेंद्र सर। सर
So what are the guidelines given by the PCI to open the colleges? Thank you, Pooja. And indeed, almost all my seniors and my respected teachers and professionals have already covered so many aspects of what the question is associated with. Specifically, you are asking me related to one agency, or that is PCI. But what I can share with you, that PCI is among the forerunners. और अगर आप देखें तो शायद PCI पहली एजेंसी थी जिनने सबसे पहला कोविड आने के बाद उसको आइडेंटिफाई किया और अपना कोर्स बंद नहीं हो उसके कारण उन्होंने अपने गाइडलाइंस दिए और लोगों का क्लास चलता रहे, क्योंकि आज टुडे वी आर सिटिंग इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। पर शायद आपको वो दिन भी याद होगा जिस दिन हमारा लॉकडाउन हुआ था और हम बहुत अनसर्टेन थे और अनसर्टेनिटी इतनी थी कि आपको उस समय स्थिति ऐसी थी कि शायद आपको कोई छू ले और आप यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। सो दिस वॉज द सिचुएशन, बट विद द टाइम वी हैव इम्प्रूव्ड एंड दैट वॉज द मैसेज एवरीवेयर वी वर गेटिंग कि जस्ट वी हैव टू फॉलो व्हाट द norms it is provided to us and definitely we will overcome the situation. And in last 9 months you have seen that we have developed a lot. Aur abhi jaisa sir ne bola ki now we are at a phase of getting the vaccines, so everything will be, I think so. The what the other remaining points which is in the mind of parents or student is there, that will also go away. But what the sir is suggesting, sir is practically assessing the situation, he is monitoring, he is doing it. Gupta sir has said about the what practically he is implementing in the institution, that is very good. But when we talk holistic, then we have to see so many constant are there, because I am working in a government institution. I know that where you have to answer, everywhere you have to answer. Maybe you will get a single question and then you have to answer. So if you'll see the government of India and UGC specifically, very elaborately they have given the guidelines to open the offline classes in the universities and institutions. If you'll see the norms, they have considered all the aspects what we were discussing, what sir has told, Gupta sir has told us, Ranjit sir has told us, Khar has told us. Khar sir ne jaisa bataya, sir ne jo aap education ke liye aapko jaise motivate kiya sir ne, agar if you'll see the norms of UGC, all the stakeholders are included in that. And they have what the responsibility they have to do to run the classes in a right manner, it is given there. So, agar aap dekhenge, jo humko bahut liberty di gayi hai for the central institutions, they have already given the liberty to the head of the institutions. Ki head of the institution wahan ki situation ko assess karke aur apne offline classes ko lagane ke liye apni taiyariyan kare. Aur ye taiyari unne bola hai ki aap planning bahut achhi, jo hum baar baar baat kar rahe hain ki aap टॉप लेवल से प्लानिंग होनी चाहिए एंड इट शुड गो अप टू द स्टूडेंट्स टू। जो हमारी प्लानिंग है तो उनने दो दो पार्ट में बाइफर्केट किया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स हमको फॉलो करना है, देन दे विल डेसिमिनेट टू द स्टेट गवर्नमेंट अगर उनके नॉर्म्स जो हैं और जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट, लाइक आप सर ने बताया पंजाब हरियाणा, दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम नवंबर 16th, दे सेड दैट वी विल गो फॉर द ऑफलाइन क्लासेस। बट इफ यू विल सी इन केस ऑफ केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, still they are saying in the first week, government is saying in the first week we have to go for the offline classes. Then this is the liberty the state central government has also given to the states and institutions, and then comes up to the institution. So once the state government is permitting you to start the classes, then it comes to the institution or head of the institution. In terms of university, the vice chancellors, they are responsible for making all the planning for all the course, all the departments. If you particularly if you talk about a particular department, then how the student are coming. And one norms is very clearly given, what Gupta sir was saying, that any point of time there must it should not more than 50% of the student should be present in the department. 50% se adhik aapko bacche ke liye jo hamara bhi norms hai ki usse adhik nahi hone chahiye. Aur jo abhi sir ne bola ki jaisa hum confidence build up kar rahe hain, सबसे पहले पीएचडी के बच्चे, पीजी के बच्चे और फाइनल ईयर बी फॉर्म के बच्चे, इनके लिए नॉर्म्स दिए गए कि वो क्लासेस अटेंड करना चालू करें। एंड दैट टू भी हमको मालूम है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, मेरे अभी जामिया हमदर्द में बात हो रही थी, फ्रॉम लॉन्ग टाइम दे आर फॉलोइंग सेम नॉर्म्स फॉर द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट। जैसे हमारे यहाँ बात करेंगे जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, दे आर ऑल्सो फॉलोइंग सेम कि एट ए टाइम 50% से अधिक लोग नहीं होने चाहिए। जो हमने इसको कंपनसेट करने के लिए जो आपको नॉर्म्स दिया गया, हम जो डे टाइम है, जो आपका एजुकेशन का टाइम है, जो आवर्स हैं उसको बढ़ाए गए हैं। 6-day week के लिए प्रपोजल दिया गया कि आप जो अपना समय है जो हम लॉस हो रहा है और जो हम बैचेस में लगाएंगे उसको कंपनसेट करने के लिए यू रन द क्लासेस, जो वर्किंग टाइम में थोड़ा ज्यादा करें, 6 days week करें,
और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जो नए बच्चे अभी जो आ रहे हैं, जो अभी यहाँ स्टार्ट होंगे, उनके लिए जरूर ऑप्शन दिया गया है कि वो ऑफलाइन क्लासेस करें, उनके जो ऑफलाइन क्लासेस अभी अवॉइड करें, ऑनलाइन में वो अपना क्लासेस कंटिन्यू रखें, और अगर वो अगर विजिट करना चाहते हैं, अगर कॉलेज उनको विजिट कराना चाहता है, तो दे कैन मेक अ ग्रुप एंड विजिट एट अ पर्टिकुलर टाइम टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन और टू गेट एक्वेंटेड विद द सिचुएशन. अलॉन्ग विद दैट देर आर लॉट ऑफ नॉर्म्स विच इज गिवन फॉर द हॉस्टल्स एज वेल एज योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर हॉस्टल्स के लिए. अभी उनका ओवरऑल देखेंगे तो दे आर अवॉइडिंग व्हाट द सर हैज टोल्ड यू की द सिचुएशन इज टू हुम 50% स्टूडेंट यू विल गिव एकोमोडेशन इन द इंस्टीट्यूशन. दैट इज द प्रॉब्लम कि हमको कह रहे हैं कि अगर एक रूम है तो उसमें एक ही बच्चा रहना चाहिए. आज के डेट में अगर पहले से उसमें दो बच्चे रह रहे थे तो हम एक बच्चा किसको एडमिशन दें वहां पे? तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो वो हमको अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं हॉस्टल्स को अभी. और जैसे स्विमिंग पूल्स हैं, ये सब कॉमन चीज है जो हम गवर्नमेंट के नॉर्म्स उसको फॉलो करते हुए बंद रखा गया है, बंद करने के लिए बोला है. लेकिन जो अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हैं, गैदरिंग अवॉइड करने के लिए बोला गया, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अ वेयर फिजिकल डिस्टेंसिंग कैन बी मेंटेन और स्पोर्ट्स इन विच द फिजिकल डिस्टेंसिंग कैन बी मेंटेन, दैट शुड बी कंटिन्यूड अलॉन्ग विद ऑल द नॉर्म्स एंड प्रिकॉशंस व्हाट द गवर्नमेंट इज टेलिंग टू अस. तो हम बेसिकली जो हमको अभी भी जो रन करने के लिए, जो मैं सर की बात से बहुत सहमत हूँ कि अभी भी, और हम फार्मेसी के जो बच्चे हैं, जो टीचर हैं, फैकल्टी हैं फार्मेसी है, वी आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, और हम एक तरह से रोल मॉडल हो सकते हैं बाकी सब्जेक्ट्स वालों के लिए. लाइक जो कॉमर्स है, आर्ट्स है, उनको शायद इतना अवेयरनेस नहीं हमारे सब्जेक्ट के लिए और कोविड के लिए और हेल्थ के लिए और प्रिकॉशंस के लिए. तो वी कैन बी अ गुड मैसेंजर फॉर ऑल ऑफ द सोसाइटी कि हम उसको प्रॉपरली पूरे जो हमको नॉर्म्स दिए उसको फॉलो करें और उसको पॉजिटिव वे में हम कंटिन्यू करके दिखाएं, जिससे बाकी लोगों को भी लगे कि नहीं ये पॉसिबल है. जो सर कह रहे थे पॉजिटिविटी, तो हमारी तरफ से नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए. अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बोला है कि आप सबसे पहले आप एक अपना जो इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं वहां टास्क ग्रुप बनाएं. जो एक चीज छूटा बता रहा हूं मैं कि टास्क ग्रुप बनाने के लिए गवर्नमेंट ने आपको खुद ही मतलब इनिशिएट करने के लिए बोला है, जिसमें कि आपके सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, आपके स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, आपके जो कोई वॉलंटियर्स हैं, दोज हु आर गिविंग सर्विसेज टू द कोविड सिचुएशन, और एनजीओज हैं, और जो आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ऐसे लेवल पे जाके आप अपना टास्क फोर्स बनाएं और टास्क ग्रुप बनाएं, जो कि समय समय पे लोगों को लगातार उनसे इंटरेक्ट करते रहे, मीटिंग करते रहे, और उनको एक्चुअल सिचुएशन इंटीमेट करते रहे व्हाट इट इज हैपनिंग आउटसाइड योर इंस्टीट्यूशन, सो दैट यू विल बी अवेयर एंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट. इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बोली गई, जो शायद अभी मिस हुआ, कि एक मेंटल हेल्थ के बारे में लगातार बहुत इंपॉर्टेंट बात किया गया है, जो आप यूजीसी, जो गवर्नमेंट की आप जितने गाइडलाइंस देंगे उसमें बच्चों के लिए दिया गया, जो सर बोल रहे थे वाकई दिस इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. हम हर चीज को मिसचीवियसनेस के साथ नहीं जोड़ के देख सकते हैं. ये समय जो रहा उसमें कुछ बहुत लोगों में रियल में डर है. मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो लगातार 8 महीने से घर के बाहर पैर तक नहीं रखा उन्होंने. तो ये जो साइकोलॉजिकल जो डर है, जो अनअवेयरनेस है, या जिसके लिए जो एल्डरली लोग हैं जो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप कर पाए, जो इसके लिए अवॉइड करना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे एक्चुअल में आई एम टेकिंग माय क्लासेस, आई एम इंटरेक्टिंग विद द पेरेंट्स अलॉन्ग विद आई एम इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स. तो हमसे जो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन में जो एक इशू हुआ कि हमने ऑफलाइन क्लासेस को डायरेक्टली ऑनलाइन के मोड में लगाना स्टार्ट कर दिया कि वी मेड अ 1 आवर क्लास, बट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन वॉट वी हैव डन वी रिड्यूस द साइज. हमको ये मुझे ये कहाँ से आइडिया है, मेरा बच्चा जब ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा था तो मैंने देखा कि उसका 20-25 मिनट तक तो कॉन्सेंट्रेट करता था, उसके बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर होना चालू करता था, लगातार वो बैठता नहीं था. तो देन आई फाउंड अ वे दैट कि यू शुड नॉट मेक द लेंथ ऑफ द क्लास सो द क्लास शुड नॉट बी सो लेंथी दैट स्टूडेंट जस्ट दे लूज देयर कॉन्सेंट्रेशन ओवर द क्लास. So accordingly we started and partially we are successful also. As I am, देखिए इसमें कोई भी बात universal नहीं है, बहुत mixed बच्चे हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत avoid कर रहे हैं, लेकिन जो रास्ता है कि हमको इसके बीच अभी लेके चलना है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने start किए थे उस समय जो सिचुएशन खराब था, आज उससे मोर देन 80% सिचुएशन अच्छा है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आने वाले एक महीने में जो ये 10% का भी कंफ्यूजन है वो भी खत्म हो जाएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट द वैक्सीन. So that is going to solve the problem, and I am hopeful by the end of the January or before that, all the classes or at least all the university will permit to start the offline classes. Right. Thank you so much, sir. Thank you, Dr. Dipender, sir. बहुत अच्छी चीज बताई सारी गाइडलाइंस के बारे में बताया, और हम लोगों ने पहले भी
गाइडलाइंस देखी हैं, थोड़ा सा अभी जो इसमें रिसेंट एडवांसमेंट्स हैं वो भी आपने बताया. थैंक यू सो मच सर. आई एम मूविंग टू प्रोफेसर खार सर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. सर अभी जो पीसीआई की गाइडलाइंस भी आ गई हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी हैं, उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और जैसे अभी दीपेंद्र सर ने बताया, एक अपना प्रैक्टिकल अनुभव बताया अपने बच्चे का लेकर के, कि कंसंट्रेट नहीं करते हैं बच्चे पूरे फुल लेंथ के लिए. तो ऐसे ही मैं सजेशन आपसे जानना चाहूंगा सर, खार सर, कि हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड विद दीज गाइडलाइंस, कितना आप सेटिस्फाइड हैं और क्या कुछ मिसिंग है, क्या हमें प्रैक्टिकली और कुछ करना चाहिए ताकि हमारे गार्जियंस कन्विंस हो सकें, हमारे स्टूडेंट्स कन्विंस हो सकें इस ऑफलाइन क्लासेस में आने के लिए. प्रोफेसर खार सर. नहीं, सारी बातें अभी हो गई हैं, बहुत सी बातों का समाधान भी आ गया है, एंड वी हैव वेरी वेरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेड एसओपीस. वो रंजीत जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, गुप्ता जी ने भी बहुत अच्छे अच्छे कुछ ऐसे चैलेंजेस बताए हमारे लिए, और दीपेंद्र जी ने भी बहुत अच्छे पीसीआई का जो इतनी अच्छी तरह से इसकी चर्चा हो रही है इतने समय से. एंड आई थिंक वी आर ऑल रेडी फॉर द क्लासेस नाउ. पेरेंट्स का हमारे पास तो मुझे नहीं लगता कोई इशू है. पेरेंट्स ज्यादातर चाहते हैं कि क्लासेस इमीडिएटली होने चाहिए. इन पंजाब एंड हरियाणा, एज डॉक्टर गुप्ता हैज सेड, दैट वी हैव हेल्ड ऑल द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस ऑफलाइन. नॉट इवन वन देयर वाज अ प्रेशर फ्रॉम स्टूडेंट्स दैट वी वुड लाइक टू हैव ऑनलाइन, का उसमें थोड़ा सा मॉनिटर करना बड़ा डिफिकल्ट होता है. But I think we have had it very nicely. There have been no problems, and all students are very happy the way examinations have been held. अब इसमें एक ही बात है. देखो, हमारे देश में कानून बनते हैं, SOPs बनते हैं, लेकिन उसकी जो implementation, उसकी जो compliance, हम लोग कागज पे ही करते हैं उसको. ये जो है ना, ये वायरस है, ये छोड़ेगा नहीं आपको. अगर आप उसको जगह दोगे, पोर्टल ऑफ एंट्री को खुला रखोगे, तो वो अंदर घुस जाएगा. तो इसलिए हमें ये एसओपीज को वेरी रिलीजियसली, वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. और अगर कहीं कहीं कोई पेरेंट हमारी बात मानने से मना करते हैं, तो मैं समझता हूं कि एक पेरेंट्स का एक अलग सेशन करना चाहिए, जैसे कुछ कॉलेज ने करा भी है. इट कुड बी ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, कि भाई आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूशन ने ये जो एसओपीज, इतनी अच्छी अच्छी एसओपीज बनाई है गवर्नमेंट ने, यूजीसी ने और पीसीआई ने, एआईसीटी ने, क्या हम उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं आपको क्या बताऊंगा. अभी मैं एक ऑफलाइन लेक्चर में गया था अभी ग्रेटर नोएडा, तो आई वेंट टू द डायस फॉर द लेक्चर एंड आई टोल्ड देम, यस यू हैव सैनिटाइज द डायस, बट प्लीज सैनिटाइज इट बिफोर आई कम फॉर द लेक्चर. सो वी हैव टू टेक एक्स्ट्रा कॉशन, एक्स्ट्रा केयर, कि वो जो वायरस जो है 16, 17, 20 नैनोमीटर का जो उसका जो लेंथ है, वो कहीं से भी स्किप हो जाएगा. तो हमें ये जो गाइडलाइंस दी गई हैं, बहुत अच्छी तरह से दी गई हैं, इसको कंप्लाई करना. वो चाहे लोग आपको क्रिटिसाइज करें, कुछ भी कहें, ये ज्यादा सैनिटाइज करता है, बट यू हैव टू फॉलो देम. और जैसे गुप्ता जी ने भी बताया कि पंजाब गवर्नमेंट ने काफी एक ऐसी व्यवस्था करी है कि दैट वी कैन हैव मास टेस्ट डन ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी एक अच्छी चीज है. उससे आपको, यू विल बी एबल टू फिल्टर दो स्टूडेंट्स हु कुड बी कैरिंग द वायरस, चाहे वो रैपिड टेस्ट ही हो, क्योंकि रैपिड टेस्ट तो इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, एन RT-PCR टेस्ट can be done later on, but if it is possible to conduct a rapid test by subsidizing it by the institution, by subsidizing it by the government, usse thodi si ek confidence level, ek filtration thoda sa ho jayega. Agar koi bhi usme koi student ho jiska wo ho to, aur phir meri vichar dhara ye hai ki dekho, offline aur online ikatthe chalega. Hum log ऑनलाइन के आदि नहीं थे हमारे देश में. आप सब लोगों को पता है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दे कंडक्ट ऑनलाइन कोर्सेज वेरी इफिशिएंटली. तो हमें समझना चाहिए कि सेव टाइम,
and to use the expertise of different people, Nobel laureates, very good professors, very good speakers, online courses cover karni chahiye. ये एक आप एक धारणा मन में लेके चलिए. मैं तो कहता हूं आपको 50% जो मेन कोर्सेज हैं, फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं, वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्पीकर से कवर करवाने चाहिए. और ऑफलाइन प्रैक्टिकल का तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, प्रैक्टिकल्स तो कराने ही है आपको. और जो कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, उसमें ऑफलाइन होना जरूरी है, बिकॉज देयर इज importance of having physical togetherness of the teacher and the student. So main samajhta hu ki in light of all the inputs we have got from different sources, from regulatory lines, from other things, you know, everything is very clear, but we have to follow them. Aur main samajhta hu parents se hamara koi issue nahi hai, aur hamare students bhi aapne jaise bola bahut ab tang aa gaye hain ghar mein baith ke, wo bahar aana chahenge, कॉलेज आना चाहेंगे, और उनको ऐसी व्यवस्था दे दो, ऐसी फैसिलिटीज दे दो, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करो ताकि उनकी केयरलेसनेस की वजह से कोई कांड ना हो जाए. ये बहुत जरूरी है, बिकॉज बॉयज एंड गर्ल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, दे फॉरगेट एवरीथिंग, दे आर इन अ डिफरेंट स्ट्रीम. यूथ जो है ना, यूथ इज ब्लाइंड, यू नो, उनको वो कोरोना वायरस वायरस दिखता नहीं है बाद में. तो हमने देखा ना, आई एम टेलिंग यू ऑन माय बेस ऑफ एक्सपीरियंस, जब जब ऐसी चीज हो जाती है उसमें हम बड़ों को, हम बुजुर्गों को, हम टीचर्स को, हम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को केयरफुल रहना पड़ेगा. इसमें कागजी कार्रवाई नहीं चलेगी. कागज भर के EICT को दे दोगे, PCI को दे दोगे, यहाँ तो एक वायरस घुस गया है कंट्री में, इसको भगाना है. इसको आप वैसे कागज से नहीं भगा सकते, इसको आप अपने अच्छे काम से, सेवा से, उसी से भगा सकते हैं. लेट अस ऑल बी अलर्ट, दैट ऑल, एंड इंटरेक्ट विद टीचर्स, इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स, एंड और पेरेंट के लिए एक, मैं कहता हूं, एक एक इंस्टीट्यूशनल SOP बना दें, जो कि एक ब्रीफ हो. बहुत देखो, कोई नहीं पढ़ता 15 पेज 20 पेज 40 पेज, किसी के पास टाइम नहीं है. आप एक 1 पेज 2 पेज डॉक्यूमेंट बनाइए, जैसे सर ने बताया, रंजीत जी ने, गेट पे आए, टेम्परेचर देखो, तो उसको वो देख लो, सब कुछ देख लो, और एक उसको सैनिटाइज कर लो. ये सब चीजें आप क्या क्या करते हो, लेट इट बी हाइलाइट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कॉशन ऑफ द कोविड केयर. लेट इट गो टू ऑल द टीचर्स, लेट इट गो टू ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स, दैट विल टेक केयर ऑफ इट. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू, थैंक यू. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम GD गुप्ता सर. सर आपने तो हमें बहुत अच्छे से समझाया कि हम जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो हम किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग क्लासेस में मेंटेन कर सकते हैं, क्या क्या हम प्रिकॉशंस लेके चल सकते हैं. तो जो मेन डिफिकल्टी है दैट इज ऑन होस्टल पार्ट. हम लोगों के यहाँ से स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट स्टेट से आए हैं, और उनके पास होस्टल अल्टरनेटिव है रहने का. तो होस्टल्स में सर सोशल डिस्टेंसिंग हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, दैट इज द मेन इश्यू दैट वी ऑल आर फेसिंग. सेकेंड क्वेश्चन में जो सर ने चीजें डाली है यार, फिर यहाँ से अंदर सर का जो दो चीजें इकट्ठी निकल के आई है, वो एक एक IF जो जो हमारी प्रोफेशनल बॉडी को ढूंढ पा रहे हैं, वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है. वो सारी चीजें जैसे सर ने दो बातें की, कि जब बॉयज एंड गर्ल्स, जब एक बैन वी कैन ओपन दी प्लेटफॉर्म, तो नंबर ऑफ मैन दे कैन बी फॉरगेटेड कि आज हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं. तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा, मैं उसको फोकस करता हूँ कि वन थिंग इज इम्पोर्टेंट इज रिलेटेड टू द हॉस्टल. तो हॉस्टल में जो 50% का जो ऑक्यूपेंसी है, वो 50% भी है कॉल दी स्टूडेंट्स, हमारे लिए एक डिफिकल्टी ये रही थी. जो हो सकता दूसरे को आई डोंट नो, जो स्टूडेंट ताले डाले थे, इसमें एक फाइनल ईयर का बच्चा है जो जा चुका है, वो एक ताला डाले. तो इस सारी प्रक्रिया के लिए भी कंस्टिट्यूटेड एक कमेटी बनाई गई कि भाई जब एक बच्चे को एक मंजिल रखना है तो कुछ ताले तोड़ने पड़ेंगे. तो उसमें बॉयज में भी हमने 5 लोगों की टीम बनाई, गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी टीम बनाई, और कुछ तालों को तोड़ा कि उसमें 2 सीट हैं और बच्चे को एक को आना है, वो भी अभी हमने नहीं बुलाया है. तो हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द स्टूडेंट, तो सारी प्रक्रिया के लिए
वी डिड द होमवर्क और अकॉर्डिंगली हमने उसको जैसा मैंने कहा अभी है मेंटेन द 10 रूम, और इसके लिए मैंने एडिशनली एक दूसरे कॉलेज में भी 20 रूम का एकोमोडेशन दिया है, शो दैट अकॉर्डिंगली वो रेंट पर लेकर के दिया हुआ है। देखिए ज्यादा किया नहीं जा सकता, बट जितना कर सकते हैं उतना हम कोशिश कर रहे हैं, और सभी लोगों को कोशिश करना चाहिए सो दैट वी कैन मेंटेन दी यू कैन से सैनिटाइजेशन और जो कोविड की प्रॉब्लम है उसको प्रोटेक्ट कर सके। दीपेन जी ने बहुत अच्छी बात कही थी और मुझे कई बार बड़ा मुश्किल भी लगता है कि जितने भी नोटिस आते हैं आफ्टर द एंड ऑफ द मीटिंग उसमें एक नोट लिखा रहता है कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड ही और शी विल टेक दैट डिसीजन। तो ऐसा लगता है तलवार, जैसे आज एक विंटर ब्रेक की मीटिंग हुई कल हमारी यूनिवर्सिटी के साथ, तो आफ्टर ऑल वाइस चांसलर गिव द डिसीजन कि हम 15 दिन की विंटर ब्रेक देते हैं एंड यू विल टेक द डिसीजन सो आफ्टर ऑल द हेड ऑफ। अब आप देखिए पूरे स्टाफ के जो टीचर हैं वो अपराधी आपको मानते हैं कि यूनिवर्सिटी ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी और आप छुट्टी दे नहीं रहे हैं या आप उसमें कट लगा रहे हैं लाइक दैट। तो ऑब्वियसली दिस इज द वन ऑफ द बिग चैलेंज व्हेन वी हैव स्टार्ट द ऑफलाइन क्लास। मेरे पास एक फोन आया, एक क्रू बता रहा हूँ, बोले मैं डीसी ऑफिस मोगा से बोल रहा हूँ, हमने कहिए, बोले कि आपको पता नहीं है कोविड चल रहा है, हमने बिल्कुल पता है, मैं कोविड में भी आता रहा हूँ आज भी, बोले आपने किसके आदेश से कॉलेज खोल दिए। मैंने कहा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की चिट्ठी है, यूजीसी की है, यूनिवर्सिटी ने दी है। बोले डीसी साहब 4 दिन की छुट्टी पर हैं और आप आकर के अभी आप इसको बंद करिए ऑफलाइन क्लासेस को और ऑनलाइन चालू करिए। इत्तफाक देखिए डीसी साहब हमारे साथ ही कॉलेज में बैठे हुए थे, तो जैसे ही मैंने कहा डीसी साहब हमारे यहाँ एक फंक्शन चल रहा है, वो अवेयरनेस पर ही फंक्शन था कि डीसी साहब इनसाइड द इंस्टीट्यूट, बोले ये कैसे हो सकता है, अरे हमने ये तो आप देखो आप ऑफिस में बैठे, उसने फोन काट दिया एंड दिस फोन कॉल फ्रॉम दी वन ऑफ दी पेट्रोल पंप है वहां से आया हुआ था, हम लोगों ने वहां विजिट भी किया है, तो वो लैंडलाइन से कॉल था एंड ही टोल्ड दैट कि मुझे पता ही नहीं है कि कौन करके यहाँ से चला गया लाइक दैट। तो इस टाइप की कुछ कुछ सिचुएशन स्ट्रेस लेवल जनरेट करने के लिए, थोड़ी देर तो मैं भी डर गया कि समथिंग इज क्या रॉन्ग तो नहीं हो रहा है लाइक दैट। तो जो जैसा मैंने कहा कि जो हॉस्टल के बच्चों को नो प्रॉब्लम हमारे कंट्रोल में रहते हैं, कहाँ मूवमेंट है, क्या गेट पास है, बाहर जा रहा है, बट जो आउटसाइडर आते हैं तो गेट पर हमने जैसे एक थर्मल स्क्रीनिंग के लिए लगाया हुआ है रखा है। सेकंड सर अभी एक आपको बताएं बड़ी अच्छी गन निकाली है, मुझे को बड़ी अच्छी लगती है वो, एंड दिस गन नियर अबाउट द मुझे लगता है 4-5 हजार की मैंने 2-3 खरीद रखी है, कि जो बैग होते हैं इट कैन बी कम्स, अगर आप उसमें हाथ भी लगाएंगे उसमें फॉक्स सा ज्यादा होता है, बहुत तेज वेरी स्पीड अप होती है, तो जो बैग्स वगैरह होते हैं और उसमें लाइट भी लगी हुई है, तो बैग्स हैं, सूज हैं, अपर सरफेस ऑफ दी बॉडी पर वो गेट पर खड़ा होता है वो घुमा देता है 2 मिनट। तो 2 चीजें बहुत जरूरी है, एक तो जैसे हमारे चेयरमैन सर भी कहते मैं भी कहता हूं कि गाइडलाइंस कई बार इतनी क्रिटिकल हो जाती है, बट उनको हम मैक्सिमम कितना फॉलो कर सकते हैं, पूरा तो कर भी नहीं सकते हैं, अगर पूरा करना चालू कर दें तो आप समझ लीजिए जैसा कि कहा है कि बंदे को घर से ही नहीं निकलना चाहिए। अभी एक एनालिसिस आया दैनिक भास्कर में कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन के मोड में इतनी ज्यादा एक्टिंग करने लगे हैं कि इटसेल्फ टीचर स्ट्रेस में चले गए हैं। तो दिस इज द अगेन वन ऑफ द प्रॉब्लम कि वी नॉट टू डू द एक्टिंग, हमें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, हमें काम करने की जरूरत है, वी कम टू द फियर फैक्टर। सेकंड जो हमारे लिए डिफिकल्टी आई मैथ्स में अर्ली मॉर्निंग कैंटीन में, कि जब कैंटीन में आज 150 लोगों को आपको ब्रेकफास्ट कराना है तो एक टाइम होता है सभी लोग आना चाहते हैं इकट्ठा, तो उन सबको 3 भाग में सेग्रीगेट किया गया है। इसी तरह से जो लंच का टाइम है उसको भी 3 भाग में सेग्रीगेट किया गया है, 2-2 बंदे लगाए गए हैं कि एक टेबल पर, जैसे अगर हमारी टेबल पर 6 फिट, फिर भी मैं कह दूं कि 6 फिट में मेंटेन की हूं, दिस इज अगेन रॉन्ग, लेकिन ये सुनिश्चित किया है कि फेस टू फेस नहीं बैठे। अगर हम ये तरफ 2 लोग बैठे हैं दैट्स ओके, फेस टू फेस नहीं बैठे क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स का जो मामला है वो फेस टू फेस ज्यादा कवर करता है। सेकेंड है मास्क के लिए फाइन की भी प्रावधान किया गया है इनसाइड द कैंपस, इसके बाद भी मिस्टेक्स हो सकती हैं कि मास्क अगर नहीं लगाए हैं तो जो हमारी मॉनिटरिंग टीम है उसमें एक फाइन का भी प्रावधान किया गया है और वो समय समय पर चलता है। तो मैं ये कह सकता हूँ 80-90% फैकल्टी मेंबर एंड स्टूडेंट्स दे आर यूजिंग द मास्क, तो प्रॉपर मास्क बंदा पहन ले,
और प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ दी हैंड और सैनिटाइजेशन हो जाए तो बहुत सी चीजें बच सकती हैं। और जो 100 की इंटेक वी हैव द इन द क्लासरूम, तो मैंने 100 की इंटेक क्लासरूम में तीन भाग में डिवाइड किया है, 30, 35, 35। तो वी अंडरस्टैंड कि 60 की इंटेक में अगर 35 क्लासरूम में बैठता है तो दिस इज द क्वाइट कंफर्टेबल। और चारों तरफ 6 फीट का सर्किल नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन आई नो दैट कि एक स्टूडेंट को बिठाने के लिए 3 square feet की जगह होती है, तो वो 6 square feet में बैठ रहा है, बट नॉट अ सर्किल ऑफ 6 feet। मैं फिर से यही रिपीट करता हूं कि इन फ्रंट ऑफ जितना ज्यादा कम से कम होगा उतना हमारा प्रोटेक्शन होगा। तो एक इसमें रखा है जो कॉरिडोर्स वगैरह हैं, तो ऑलरेडी कैमरेज लगे हुए हैं और काम चलता रहता है कि मोबिलिटी जोन होता है कि जो हमारी छुट्टी और बसेस का जो टाइम हमने रखा हुआ है वो उस टाइम को सेग्रीगेट करने की कोशिश की गई है। और दो रास्ते रखे गए हैं, एक हमारा जो मेन रास्ता था कि आधा रूट इधर आ जाता कि कॉरिडोर में एक साथ ऑलरेडी 50% है, 50 का भी 50 कर दिया है सो दैट वी कैन रिड्यूस द थिंग्स अकॉर्डिंगली। और जो ड्रिंकिंग वाटर का एक बात करते हैं, अमूमन पूछते हैं कि व्हाट बियर, तो आजकल वाटर कूलर पर तो कोई जाता ही नहीं है। जो आउटसाइडर हुए हम स्टूडेंट, दे आर मोस्ट प्रॉब्ली कमिंग विद देयर वाटर बोतल के साथ आते हैं, और जो हॉस्टल के बच्चे हैं वो भी मोस्ट प्रॉब्ली अपनी वाटर बोतल लेके आते हैं, कई लोग गर्म पानी पीना चाहते हैं, तो मिनिमम कंटेमिनेशन के चांसेस ये रिड्यूस हो जाते हैं। एंड ओवरऑल वी हैव ट्राइड टू डू द मेंटेन द थिंग्स। इसके बाद बकाया तो ईश्वर के ऊपर ये है कि किसी तरह से सभी लोग स्वस्थ रहें, लेकिन ये जरूर पूछते रहते बीच बीच में कि किसी के दादा मामा फूफा चाचा ताया अगर किसी को भी इन्फेक्शन है तो उसको अटेंडेंस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जरूर दे कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, दैट इज वाई आई एम नॉट कमिंग, ताकि हम उसको एक स्पेस दे सकें कि यू कैन नॉट टू द अटेंड द क्लासेस। तो इस तरह के नोटिस और सर्कुलर कोशिश किए जा रहे हैं सो दैट द थिंग्स टू बी द मेंटेन। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑलरेडी वी हैव मेंशन ओवर हियर कि जो हमारी डिप्लोमा की क्लासेस हैं, जो अभी फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं हुए थे हमारे यहाँ, तो अभी जो है गवर्नमेंट उसको ऑफलाइन मोड कराना चाहती है, बट अभी थोड़ा रुकी हुई है, बट दे आर ट्राई टू डू दैट कि कम से कम एक बार एक सेशनल एक सेशन हो गया दैट्स ओके, बट जो सेकेंड हमारा वो सेमेस्टर हो इट मस्ट बी इन ऑफलाइन मोड एग्जामिनेशन। ऐसा हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी कोशिश कर रही है, एंड आई होप दैट कि कंडीशन सिचुएशन अगर ठीक रही तो सारा कुछ मोस्ट प्रॉब्ली अप टू द मार्क रहेगा और कोशिश रहेगी कि वेल एंड गुड कंडीशन में हो जाए। इसके लिए हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे नोटिस आते हैं, जैसे सर ने कहा 8-10 पेज का, कई बार तो पढ़ने में ही बड़ा समय लग जाता है, उसमें इतना क्लस्ट और टेक्निकल चीजें दी होती हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन इवन कैश काउंटर। अब आप देखिए कैशियर होता है तो कुछ हमारी ऑनलाइन पेमेंट भी हो रहा है, वो कैशियर बेचारा क्या कर सकता है, कितनी डिस्टेंस कर सकता है, एक कैशियर को दूसरे नोट देना जरूरी होता है। तो इसके लिए जो हमने ऑफिस में कर रखा है, अगर हमारे ऑफिस में कोई विजिट करता है तो स्पेशली एक अटेंडेंट इस काम के लिए है कि वो हमारे पास से जैसे ही मिलने के लिए जाता है वो गन लेकर के और स्प्रे आता है, पूरी चेवर टेयर एक बार फिर से सैनिटाइज करके जाता है। अगर एक दिन में 20 बार लोग मेरे चैम्बर में आते हैं तो रूम 20 बार हमारा सैनिटाइज हो जाता है, गेट सैनिटाइज हो जाते हैं। वो एक लेडी सिर्फ इसीलिए लगी हुई है और सिर्फ उसको ये आदेश है, जैसे मैंने खाना खाया, खाना खा करके मैं उठता हूँ वो पूरा सोफे से लेकर के सब सैनिटाइज कर जाती है। तो एनी टाइम, जैसे हमारे यहाँ क्लर्क एक टिकट किया वो भी रिड्यूस कर दिया है कि एट ए टाइम दिन में 4-5 बार ही साइन कराइए, ऐसा नहीं कि मिनट टू मिनट आप फाइल भेजते रहिए, चलिए फिर हर 2-2 मिनट में 10-10 मिनट में 1 घंटे में आती रहे, तो इस चीज को थोड़ा सा रिड्यूस किया है। जो भी हमारे फोन कॉल है, जैसे एक फैकल्टी को किसी काम से बुलाना है, अगर वो काम फोन से हो सकता है तो 90% वर्क वी हैव शिफ्टेड ऑन द फोन। वो कॉलेज के अंदर है, फोन किया, ये कागज बनाना है, यू कैन सेंड टू द मेल, स्कैन करें सो दैट वी कैन टेक द प्रिंट आउट। तो ये सारी प्रक्रिया में कोशिश लगातार है कि वी यूज द डिजिटल मोड, वी यूज द ऑनलाइन मोड, एंड वी ट्राई माई बेस्ट टू गिव इन द ऑफलाइन सिस्टम। तो इन सभी के साथ बच्चे भी फियर फैक्टर से बाहर आए, यू जस्ट टेक द प्रिकॉशन। बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं कि वैक्सीन का अगर एक कोई सॉल्यूशन है तो वो है मास्क, कि अगर आप मास्क को प्रॉपर और फुल टाइम अगर आप लगाते हैं ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स तो आप 99% प्रोटेक्टेड हैं, 1% तो आप कुछ भी कर लीजिए इसका किसी को कुछ भी नहीं पता है, बट वी मस्ट टेक द प्रिकॉशन
और बच्चे भी आजकल इतने केयरफुल हो गए हैं कि हमसे ज्यादा वो तो सैनिटाइजर की एक बोतल ही रखे रहते हैं, जैसे ही बात करते हैं वो पहले डालने लगते हैं, बिकॉज दे हैव टू द मोर केयरफुल आल्सो। तो आजकल के जो जमाने में लोग बाग हाइजीनिक बहुत ज्यादा हो गए हैं, दैट इज वाई इससे प्रॉब्लम रिड्यूस कम हो रही है। इसका मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आता है, जब मैं छोटा था और किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी तो एक ही एजेंडा होता था कि पानी भरना है, ठीक है, जैसे एकदम से गेट से 5-6 लोग उतरते थे और पानी भरने में जुट जाते थे। आज मैं देखता हूँ ट्रेन रुकती है, पानी तो कोई भरता ही नहीं है। इट मींस हम लोग ऑलरेडी 50% हाइजीनिक मोड की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे ये गाइडलाइंस आती है, पर्सन इवन स्टूडेंट कह देते सर आपने सैनिटाइज कर लीजिए, जैसे कभी मुलाकात हुई मीटिंग हुई तो वो खुद ही सैनिटाइजर दे देते हैं कि सर सैनिटाइज कर लीजिए, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि हमसे उनमें जाएगा या उनसे हममें जाएगा, इट कैन बी स्प्रेड एनीवे। तो हम सभी लोगों को एक दूसरे का ध्यान रखना, सेल्फ पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। और इस पूरी प्रक्रिया में किसी को अभी आई होप दैट कि कोई भी बाउंड्री नहीं रखनी चाहिए कि कोई बुरा मान जाएगा कि अरे यार मैंने ये कह दिया कि हाथ सैनिटाइज कर ली, बिकॉज एवरीबॉडी नो इट, इट इज द एसेंशियल एंड ओनली द प्रोटेक्शन सॉल्यूशन राइट नाउ। इवन दैट अगर मैं ये कहता हूं वैक्सीन आ जाएगी, कितने महीने कितने दिन कितने साल बाद आप तक आएगी किसी को नहीं पता है। तो वी नीड ओनली द प्रोटेक्शन, और वैक्सीन की जो कंडीशन है, स्टोरेज कंडीशन है, हमारे ब्लेजेज है छोटी जगह तक है, अभी तक तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि ये लगेगी किसको, अभी आई है नहीं, आने के बाद ये डिसाइड नहीं कर पाए लगेगी किसको। तो लाइक दैट देयर द लॉट ऑफ टाइम, जब हमारे यहाँ पोलियो आया था बरसों लग गए थे उस चेन को हमें ब्रेक करने के लिए। तो वाई द वे गॉड ग्रेस कि हमारे यहाँ इम्यूनिटी अच्छी है और रिड्यूस 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 हो रहे हैं, अगर हमारे पास एक्टिव केस है वो बहुत रिड्यूस होते चले जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में वैक्सीन हमारे लिए एक सिर्फ एक मॉरल बूस्टर के टाइम काम करेगा कि आ चुका है, अस्त्र हमारे पास अवेलेबल है, वी कैन डू द जर्नी लाइक दैट। तो ऐसी सिर्फ मन में भावना आ सकती है, लेकिन प्रिकॉशन लेना तय है, उसको लेते रहें, काम करते रहें, मानसिक दुर्बलता से दूर रहें। तो मैं समझता हूं कि वायरस आता जाता रहेगा, है नहीं है, इस चीज पर बहुत ज्यादा होमवर्क ना करके ये करें कि हम कितना अपने आप को प्रोटेक्ट रख पाते हैं। आपको ये बता दें कि मैंने एक जो हेयर गन होती है ना बालों को सुखाने के लिए, जब स्टार्टिंग में अखबार से भी उसको करते थे, घर से हम आते थे जब कॉलेज से मिसेज बाहर ही लिए खड़ी रहती थी, पहले ऊपर उस गन को चलाती थी एंड देन एंट्री, अब धीमे धीमे क्या हो रहा वो रिड्यूस, फिर हम बाथरूम में कपड़े रखने लगे, अब ये हो गया कि हाथ साफ कर लीजिए एंड यू कैन क्लीन योर माउथ लाइक दैट। तो ये सारी चीजें प्रोटेक्शन एक कवच के रूप में जब चीजें दिखने लगती हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक प्रोटेक्शन आ जाता है, बच्चों में पेरेंट्स में सभी में विश्वास आ जाता है। तो ये जो आज का संवाद है, आई फील दैट कि इट विल बी द वंडरफुल, एंड स्टूडेंट्स और फैकल्टी को इसमें एक विश्वास पैदा होगा, क्योंकि फार्मा प्रोफेशन में कुछ कॉलेजेस का है, कुछ यूनिवर्सिटीज का है, जो पार्शियल और परसेंट वाला कंसेप्ट चल गया है पढ़ाने का और दूसरे सिस्टम का, वो रिड्यूस हो, सभी लोगों में एक हैप्पीनेस आए, एक स्ट्रेस लेवल खत्म हो। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ऑनलाइन अगर और ज्यादा चलती है तो हमारा जो शिक्षा जगत है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कलैप्स होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो प्लेटफॉर्म पर कह नहीं सकता लेकिन कई बार रुक भी नहीं पाता हूं। सो वी आर द अंडरस्टूड कि आज बहुत से लोगों के फोन आते हैं, इस टाइप का स्ट्रेस लेवल चल रहा है, अरे आप आज जीवन चलाना है हमको, उस जीवन के लिए हमें सिस्टम चाहिए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट सिस्टम। गवर्नमेंट में जब हमारी तनख्वाह नहीं आती है तो हम कहते हैं एफडी हो रही है, लेकिन अगर प्राइवेट में तनख्वाह नहीं आती है तो जीवन भटक जाता है, बहुत मुश्किलें आ जाती है। उन सारी चीज के लिए आज आवश्यकता है कि वी मस्ट वी से दैट कि ऑफलाइन चलाइए, सो दैट वी कैन वांट टू सबमिट द फी, वी वांट टू द सबमिट ऑफ द हॉस्टल फी, हमारे ड्राइवरों का क्या हाल हो रहा है, इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड ऑन द सेल्फ फाइनेंस विद द बेस ऑफ द फी सिस्टम। तो इस चीज को सिर्फ इतने से ना रोकें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं किस कष्ट में झेल रहे हैं जिसको एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इस सारी चीजों को ध्यान में रखें, हम कुछ दे रहे हैं, हम टीचर हैं, हम पढ़ा रहे हैं, कम से कम हमें हमारा मेहनताना मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पीछे भी परिवार है। सो थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर गुप्ता सर, बहुत बहुत जेन्यून बातें आपने कही, बहुत जेन्यून बातें आपने कही। ऑफलाइन पैटर्न में आना बहुत जरूरी है, जैसा कि आपने कहा कि एक पूरी चेन है, एक पूरा सिस्टम है, कॉलेज का, यूनिवर्सिटीज का, तो बहुत कुछ डिपेंड करता है। जब सैलरी आती है इन सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं किया सकता, लेकिन फिर भी आपने संक्षेप में सार कह दिया है, आपका धन्यवाद करूंगा इस बात के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं रुक करूंगा डॉक्टर दीपेंद्र सिंह सर का, दीपेंद्र सिंह सर का, ये गाइडलाइंस पीसीआई की तरफ से भी हैं, यूजीसी एआईसीटी सबकी तरफ से हैं और हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं एज फॉर एज पॉसिबल। अभी गुप्ता सर ने भी कहा कि हम लोग काफी हद तक फॉलो कर रहे हैं। मैं सर से ये जानना चाहूंगा कि क्या इनकी मॉनिटरिंग का भी कोई सिस्टम है या ऐसा कोई विचार है पीसीआई की तरफ से, जैसे फोर्थ कमिंग अभी जब पोर्टल खुलेंगे उसके बाद हमारे इंस्पेक्शन होंगे, तो क्या उस टाइम पे कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में इन चीजों का, इन गाइडलाइंस का, कोविड गाइडलाइंस का, ऑनलाइन क्लासेस की जो चीजें थी उन सब का क्या कुछ मॉनिटरिंग हो सकती है या अभी कुछ हुआ हो रहा है या आगे कुछ करने की प्लान? थैंक यू प्रोफेसर अजीत फॉर आस्किंग सच क्वेश्चन, बट सिंस लास्ट वन आवर वी आर डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स and one thing what I can conclude that it doesn't you need not to fetch a police for your health, okay? So aap apne jeevan ke liye koi aapke jeevan jo condition hai bahut vidambana wali condition hai, jeevan aapka hai lekin hum abhi bhi cha rahe hain ki koi dusri uski monitoring kare kya, to ye prashn apne aap mein bada acha prashn hai. Aur jo gupta sir keh rahe the na ki yahan responsibility koi nahi lena cha raha hai, हम चाह तो रहे हैं बहुत सारे काम लेकिन हम किसको रिस्पॉन्सिबल बोलें और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले. तो जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जो एजेंसीज आएंगी, तो ये एजेंसीज बहुत बाद में आती हैं, लेकिन जो लोकल एजेंसीज हैं, जो दैट इज देखिए हमने मैंने हायर किया, आपको शुरू से बोला कि आपको सेंट्रल ने स्टेट को डेजिग्नेट किया है, डेजिग्नेट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन को किया है, स्कूल एजुकेशन किया है, देन दे रीच टू द रीजनल ऑफिसर्स, then they will come to the principals and head of the institutions, then individual head of the institution of that institute, then senior teachers, then other teachers. So we are having a long list of hierarchy reaching up to the students. So humko bachchon tak aane mein bahut lambe, matlab hum lambe ek chain ko hum cross karke bachchon tak pahunch rahe hain, aur usme jitne bhi naam liye har aadmi responsible hai aur har ki apni apni duties fix ki gayi hain. Agar aap guidelines dekhenge तो हमने जितने स्टेक होल्डर हैं सभी स्टेक होल्डर्स के लिए अपने अपने गाइडलाइंस को, और जो सर ने जैसा खार सर ने कहा था कि एसओपी बनाने के लिए, तो स्टेट वे उस पर लिखा हुआ है कि यू हैव टू मेक दिस एसओपीज. हम कैसे कर रहे हैं, देखिए दो तरीका है. एक जो गुप्ता सर ने बताया कि हमारे पास कुछ आया और हमने प्रैक्टिकली उसको मॉडिफाई करके एक्चुअल में एक एसओपी बना लिया जिससे सबका भला होने लग गया. पर एसओपी होना चाहिए और एसओपी इंस्टीट्यूट के लेवल पे, डिपार्टमेंट के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे या रीजनल लेवल पे इसके, और ये कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में है. आप मुझे मालूम नहीं है लेकिन एज आई एम इन द इंस्टीट्यूशन, सो वी आर इन द कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग. आर वाइस चांसलर इज मूविंग इन द डिपार्टमेंट, ही इज इंटरेक्टिंग विद द पीपल, ही इज आस्किंग फॉर द प्रॉब्लम्स. सो ये लगातार हो रहा है और ये मॉनिटरिंग का ही पार्ट है. कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि वो क्यों आया, क्यों बात किया, क्या बात किया, लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ मॉनिटरिंग कि ही वॉन्ट टू सी द सिस्टम कि हाउ वी आर फॉलोइंग द डिपार्टमेंट. सो इफ ही इज सेटिस्फाइड अदरवाइज ही विल गिव सजेशंस. तो ये जो है तो ये लगातार मॉनिटरिंग चल रही है और हो रही है. और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर हम जो ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, आप अगर मैं मेरा थोड़ा विचार जो है वो बिल्कुल वैसा है लेकिन मैं दूसरे एंगल से बता रहा हूँ. अगर आप अपने जीवन को किसी भी कारण से अगर डेविएट कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, तो यू आर हैम्परिंग योर लाइफ. और जिस टाइम में हम जी रहे हैं जो वो नेचुरल नहीं है, वो अननेचुरल है. तो अगर आप अपने आप को प्रेशराइज कर रहे हैं लगातार, और ये प्रेशर रिलीज करने का तरीका ये है कि हम नेचुरल लाइफ में वापस से फिर से रिटेन करें, लेकिन रिटेन हम धीरे धीरे फेज वाइज मैनर में करें ताकि जो डे टू डे गलतियां वो एकाएक कोई गलती ना हो जाए और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ें. और हम चाहें तो बड़ी क्लासेस से स्टार्ट कर लें, पीएचडी के बच्चों को स्टार्ट कर लें, वो स्टेबल होता है, पीजी हो गए, तो हम 15-20 दिन के अंदर में हम सबको लेके आ सकते हैं. और हमारी फैकल्टीज को, इवन बच्चे नहीं, हमारी फैकल्टीज भी बहुत, मतलब जो एल्डरली फैकल्टीज हैं, और वाई दे आर वरीड, ऐसा उनके वरीज में जो वरीड हैं उसका एक जेन्युइन रीजन है, क्योंकि हमको मैं आपसे एक पर्सनल चीज शेयर कर रहा हूँ कि आई एम एसोसिएटेड विद माय हॉस्पिटल आल्सो.
तो वहां पे हम अनप्रिडिक्टेबल जो सिचुएशंस हैं, इट इज वेरी कॉमन. इवन पीपल आर जस्ट दे हैव रिकवर्ड फ्रॉम एवरीथिंग, दे वेंट टू देयर होम एंड आफ्टर वन मंथ अगेन समथिंग हैपन टू देम. तो ये जो, और ये इसका रीजन हमको नहीं मालूम है. मुझे मालूम है ये बहुत 100 में से एक हो रहा है, बट जो एक है वो हमारे लिए डेटा है, लेकिन जिसके साथ एक वो हुआ उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. तो हमको ये सब चीज जो है कंसीडर करना. तो हम जो, मैं जो मेरा अपना मानना है कि हम मॉनिटरिंग पे तो चल ही रहे हैं, लेकिन हम इसको धीरे धीरे फेज वाइज मैनर में, बहुत जैसे हम पढ़े लिखे लोग हम साइंटिफिक मैनर में चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं. और स्पेसिफिकली हम लोग तो हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं, तो हमको हाइजीन और उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा पता है. तो आप जब आप ये गाइडलाइंस देखेंगे, उसमें स्टेक होल्डर्स को देखेंगे, इवन माँ बाप तक के लिए भी गाइडलाइंस है कि आप अपने बच्चों को घर से मोटिवेट करें कि दे शुड यूज द मास्क, दे शुड स्टार्ट, दे शुड इनिशिएट द हैबिट ऑफ हाइजीन ऑफ योर देयर हैंड एंड ऑल द थिंग्स व्हाट दे आर कैरिंग विद देम. ट्राई टू मेक मिनिमम कॉन्टेक्ट विद द पीपल व्हेन यू आर कमिंग टू द इंस्टीट्यूशन और यू आर मूविंग टू द इंस्टीट्यूशन, हम मना करें. इसके साथ में एक और जो बड़ा प्रॉब्लम है जो प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूँ. इट इज वेरी इजी टू से दैट कि हम किसी के सामने, कोई आपसे अगर मान लीजिए किसी ने हाथ आगे बढ़ाया, अपने हाथ मिला लिया और फिर आप तुरंत हाथ सैनिटाइज करते हैं, तो हम जानते हैं इंसानी फितरत है, दे फील ऑफेंडेड, स्पेसिफिकली वेन दे आर समथिंग इन द हायरकी इफ दे आर एग्जिस्टिंग. तो हमको यहाँ पे एक जो बच्चों की काउंसलिंग, टीचर की काउंसलिंग और जो सोसाइटी में लोग हैं उनकी काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है कि ये कॉमन पैटर्न है और ये आपके वेलिंग, आपके भलाई के लिए भी हम कर रहे हैं. हो सकता है मैंने जो हाथ सैनिटाइज किया, हो सकता है आप नहीं थे, लेकिन मैं अगर कहीं से मेरे पास अगर कोई मिला होगा और मैं इन्फेक्टेड होऊंगा, तो ये दोनों तरफ का सिचुएशन है. तो इसीलिए मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप प्रिंसिपल के लेवल पे, टीचर के लेवल पे बच्चों से इंटरेक्ट करके उनको ये बहुत मतलब अभी उनको मेंटली प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है कि डोंट फील ऑफेंडेड. और ये जो गलतियां हो रही हैं, लोग बताना नहीं चाह रहे हैं, बताना इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि उनके साथ ऐसा व्यवहार स्टार्ट हो जाता है समाज में कि आप उनको देखना पसंद नहीं करते. या अभी तो ये कन्फ्यूजन था, अभी तो सिचुएशन बहुत अच्छा हो गया, नहीं तो लोग ये सोच रहे थे कि अगर आप देखेंगे शायद उनके पास से गुजर जाएंगे तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा. सो दैट वॉज अमेज, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेनिंग देम. और हम जैसे किसी बड़े काम के लिए एक वर्कफोर्स बना के और बच्चों को ट्रेन करते हैं, तो वो आपके ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे पूरे सोसाइटी में. तो हमारे बच्चों को आके, बड़े बच्चों को आप एक ब्रांड एम्बेसडर जैसे बना के सोसाइटी में अगर ले जाएंगे, आपके टीचर्स, आपकी फैकल्टी आ रही, वो अगर लीडर्स जैसे जा रहे हैं, तो दे विल अगेन दे विल सेट ए ट्रेंड. एंड जो हमारा टारगेट हम जल्दी से जल्दी अचीव कर लेंगे, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो नेचुरल नहीं है. मे बी सर वॉज सेइंग कि हमको, और लेकिन ये भी एक सत्य है कि अगर आप साइंटिस्ट और साइंटिफिक कम्युनिटी में मूव कर रहे हैं, यू नो दैट कि दे हैव ऑलरेडी गिवन कि सच थ्रीट वी हैव टू, इन द फ्यूचर वी हैव टू फेस सच टाइप ऑफ थ्रीट्स एंड वी शुड बी रेडी फॉर दैट. एंड ओनली ऑप्शन दैट यू शुड इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम और इम्प्रूव योर हैबिट्स, और जो आपका सिचुएशन है उसको आप इम्प्रूव करें, कंडीशन को इम्प्रूव करें, इसके अलावा सोल्यूशन नहीं है. तो साइमल्टेनियसली जो हमारे गाइडलाइंस में है कि हमको ये सिस्टम तो स्ट्रांग जो हमको वापस तो आना ही है, लेकिन जो ऑनलाइन का सिस्टम है, जो आपको एक पैरेलल में एक सिस्टम रखना पड़ेगा ताकि हम इसके कारण किसी भी कारण से पीछे ना चले जाएं और लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहें. आज हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ऐसा है कि बच्चे इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि कभी तो ये सिचुएशन खत्म होगा और हम क्लास में चले जाएंगे, तो अगर हम अभी नहीं करते हैं तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जब उनको पता रहेगा कि अगर नहीं, हमारा सिस्टम तो ये है और हमको ऑनलाइन से भी पढ़ना पड़ेगा, तो वो मेंटली भी प्रिपेयर होंगे और हमारा जो लैप्स हो रहा है जो इस कारण से, किसी भी कारण से, वो आप शायद फुलफिल कर पाएंगे. तो ये पैरेलल हमको दोनों के साथ सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए. तो वी विल ट्राई फॉर द ऑफलाइन, बट वी विल बी वेरी कॉन्फिडेंट विद द ऑनलाइन टू. राइट जी, जी बिल्कुल राइट. थैंक यू सो मच सर. एग्जैक्टली. थैंक यू डॉक्टर रिकमेंडेशन सर फॉर योर काइंड वर्ड्स. यस, नेक्स्ट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रंजीत सर. सर, ये क्वेश्चन सभी के माइंड में अक्सर चलता रहता है कि हमें वैक्सीन के लिए और कितनी वेट करनी पड़ेगी सर. हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सर, कब तक वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन है वो हम तक अवेलेबल हो पाएगा? या इट्स नो डाउट गुड क्वेश्चन, बट देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस एरिया टुडे. I was an advisor to the Serum Institute Pune, the chairman Cyrus Poonawalla, for their quality systems and ensuring that every dose of
any kind of vaccine they manufacture, they being the largest in the world for global supplies. So our country is lucky, such an institute is in India. Such a manufacturing capacity is in India. And today their manufacturing capacity is around 20 million doses per month, which they can increase it to minimum 40 million doses per month. They have such a huge capacity, depending on the need, they can increase. Today they have 50 million doses ready. The Serum Institute Pune, Oxford vaccine, AstraZeneca vaccine combined with Oxford, who has tied up with Serum Institute, they have 50 million doses ready, manufactured in their warehouse. Hmm. Just waiting for yes. DCGI clearance. Clearance. Government or health minister will not get involved into that because this is a technical decision. So DCGI, our FDA commissioner has to take final decision, Dr. Somani. Hmm. I'm very sure that decision will be before 6th of January. That's great. Will be before 6th of January. And our country will have a vaccine positively by 6th of January. I'm very confident of this date. Now, the reason is they are already ready with 50 million doses. All the clarifications, all the documents which were required by DCGI are already given 2 weeks ago. And it is only required the final clearance by Drug Controller General of India. Everything else is ready. The government has tied up with so many organizations for supply chain. Government of India has tied up with Serum Institute of India, with Bharat Biotech, with Zydus Cadila, three main manufacturers in India today. There are more 9 companies in India who have developed and who are in the first phase of clinical trial. The Serum Institute and Bharat Biotech have completed phase 3 trials, yes. Now they have already submitted whole data. In addition to that, the Pfizer Global, Pfizer US company, and BioNTech German company together have developed one vaccine which is already pending approval in Indian DCGI. So immediately, within a week's time, we will have 3 companies' products. So in the month of January, we are likely to get 100 million doses. Moderna vaccine, which is coming from USA, the government of India is also doing the agreement with them. They are also trying to move in the agreement with Russia, where Russian vaccine Sputnik is going to be manufactured by Dr. Reddy's in Hyderabad. And they have a capacity of 10 million doses per month at this stage, which can go to 30 million doses. So overall, if you see the scenario in India, is very comfortable at this stage, but globally, there are 192 vaccines are under development. 192 vaccines. And Pfizer, Moderna, these two global organizations, Sputnik, which is under clinical test with Dr. Reddy's in India, Serum Institute and Bharat Biotech, who are ready already with the stocks. So overall situation looks very promising for India. Out of that, how this will be distributed and what precautions will be taken by government.
So I am sure our audience would like to know, which I understand your question is also based on that. Is government, after talking to the state governments, the Indian government has decided a protocol for that. Initially, up to the month April 2021, April 21, up to that, 300 million doses will be used for 30 crore patients in India. 30 crore patients in India, rather infected people or normal people together. The priority wise, 26 crore people or population will be above the age of 50 on the topmost priority list. Out of that, 1 crore, over and above that, 1 crore will be the people who are frontline workers, hospitals, doctors, related staff, the police staff, and the laboratory technicians all over India. They all will be covered amongst first 30 crores. Over and above that, serious patients in India who are around about 1 crore in numbers, having different serious diseases, they are also considered as part of these 30. And these 30 crores will be vaccinated by April 21 for sure. And all necessary precautions are being taken from that perspective. So the overall situation is very comfortable. As far as the students are concerned, if you see the infection rate among the younger generation is 36% today. Whereas above 50, the rate is 62%. So the priority wise, senior citizens or above 50 years of age will be considered. And the next phase, May onwards, they will be considering remaining population. So it is expected by end of the year, at least 70% of the population will be covered. Now, the reason for that is government or ICMR is thinking that there is no need to vaccinate whole country. If you vaccinate the key sections, automatically there will be 99% plus control. And that will have a tremendous positive impact. And by mid-22, there is 99%+ eradication of these corona from India. Minor may be there, which will just like polio and other things which is happening in India. So still there are some issues which are happening. So these things will take care automatically. And by that time, whole country learns out of that. And everybody will take tremendous precaution. So there are great hopes. The government of India, the various institutions, pharmaceutical manufacturing is doing very good. As per Prime Minister Modi, India is the pharmacy of the world, which is rightly so. And we are supplying today all these kind of medicines for the treatment to the world. 200 countries we are supplying the medicines. So it's a great thing from our country to the world. And we are very proud, and I am very proud. I am servicing this industry for the last more than 50 years. So it's great. It's a great feeling. And I am not overconfident, but I am confident for sure that it's a question of few months. And during next Diwali, everybody will be out of the homes to celebrate together with all relatives. Sure. Very good. Thanks a lot, sir. We are really hopeful. Thank you so much.
Yes, yes, of course. Thank you so much, sir, for such a motivational talk, such a motivational statement. And now it's a reality. Thank you, sir. And now we are moving towards the conclusion part. So, इसके लिए एक सभी सम्मानित पैनलिस्ट से हम एक कॉमन क्वेश्चन पूछेंगे. इसकी शुरुआत हम ऑनरेबल डॉक्टर दीपेंद्र सिंह सर से करेंगे कि क्या अपने एंड पे पर्सनल एंड पे आप क्या एडवाइस करेंगे सर बच्चों को पेरेंट्स को ताकि वो इस निगेटिविटी से बाहर निकलें और हमारी जो प्रॉब्लम है वो उस पर हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं कि हम कैसे इसको डील कर सकते हैं और वो एक फ्रेम माइंड में जो एक निगेटिविटी बनी है कि नहीं हमें कॉलेज नहीं जाना है ऐसे डर से उससे कैसे बाहर निकलें और आराम से आए और पॉजिटिव वे में आए क्लास करें क्योंकि तो उससे बहुत कुछ जुड़ा हुआ है सारा सिस्टम एक चलता है कॉलेज का. तो पर्सनल लेवल पे हम सारे गेस्ट से ये क्वेश्चन सेम पूछेंगे. शुरुआत करेंगे डॉक्टर दीपेंद्र सिंह सर से देन डॉक्टर रंजीत बोलना चाह रहे हैं. रंजीत प्रोफेसर अजीत वी ऑलरेडी वी यू हैड अ क्वेश्चन और मैं जो सबसे यहाँ शेयर करना चाह रहा हूँ मैं जो इसका जो आपने बोला कि हम कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें कैसे लोगों को कन्विंस करें और कैसे आने के लिए बोलें तो देखिए हम हमारे पास जो रेफरेंस है वो हमारे घर से ही आते हैं और आप उनका रेफरेंस घर से स्टार्ट कीजिए कि उनके घर पे काम करने वाले लोग क्या मार्च में जो आ रहे थे वो आज भी नहीं आ रहे हैं क्या. एग्जैक्टली घर से स्टार्ट करना पड़ेगा. नाउ योर होम इज ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज्ड एवरीथिंग इज गोइंग इन अ वे यू आर गेटिंग ऑल द गुड्स विच इज रिक्वायर्ड. हमको जहाँ बहुत जरूरी है हम वहाँ जा भी रहे हैं. इवन इन द फैमिली फंक्शंस व्हिच आर वेरी अर्जेंट वी आर मूविंग देयर दो द गाइडलाइंस इज देयर सो विद द प्रिकॉशन वी आर डूइंग ऑल द एक्टिविटीज व्हाट इट इज रिक्वायर्ड. सो दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड योर कैरियर टू बिल्ड योर लाइफ. सो दैट इज फोरमोस्ट थिंग. तो आप यहाँ से स्टार्ट करें उनकी काउंसलिंग करें और सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहता है कि आपके बच्चे ही आपका एग्जाम्पल रहते हैं. तो ट्राई टू क्रिएट अ ग्रुप who will come to the institution and they will give the message ki okay the things are under control and we are doing all the good things. aur main bata raha hu jo maine apna confidence built up kiya when bahut ye bahut practically main accept kar raha hu ki bahut din tak main bhi bahar nahi nikla lekin jab maine hospital jana start kiya aur wahan ke staff ko jab maine logon se deal karta hua dekha ki wo kaise deal kar rahe hain. aap kisi ko touch karne mein aapko ghabrahat hai lekin wo us aadmi ko deal kar rahe hain usko treatment kar rahe hain usko dhyan de rahe hain तो आपको मोटिवेशन होता है कि इफ दे आर डूइंग देन वी कैन आल्सो डू. तो हमने फिर वही पूरे प्रिकॉशंस के साथ में हम भी काम कर रहे हैं और जब वो काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते उन प्रिकॉशंस के साथ में. तो आप बच्चों का एक ग्रुप और प्रैक्टिकली क्या है आपको हमेशा उनकी तरफ देखना पड़ेगा जो आपको सहयोग कर रहे हैं जो आपका हेल्थ देख रहे हैं. आप पुलिस वाले हों चाहे आप हमारे फार्मासिस्ट हों. मैं तो फार्मासिस्ट के लिए बोलना चाहता हूँ. फार्मासिस्ट एक ऐसी मतलब कम्युनिटी थी जो पूरे लॉकडाउन में 24 घंटे पब्लिक के लिए शॉप पे बैठी अवेलेबल रहे एंड दे प्रोवाइडेड द मेडिकेशन. सो दैट वी आर कंट्रीब्यूटिंग. और तो हमको तो कॉन्फिडेंट होना ही चाहिए और हमको सबसे पहले कॉलेज रिटर्न होना चाहिए बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन द मार्केट. हम तो है ही हैं आपके लिए सहयोग के लिए. हम लगातार बने हुए हैं चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे सोसाइटी हो. तो इस केस में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है और इन सब एग्जाम्पल्स को लेते हुए और लाइफ को और कॉलेज को और बाकी टीचर्स की जिंदगी को नॉर्मल करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड कम एज सून एज पॉसिबल वी शुड कम टू दर कॉलेज और द डिपार्टमेंट. देर आर फॉल्स नेगेटिव क्लेम्स अबाउट वैक्सीन्स व्हिच आर गेटिंग स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिटीजन्स इज टू रिमेंबर दे वैक्सीन्स आर जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट. There will be always some side effect as it happens with normal products like tablets, capsules, cough syrup. People have some or the other side effect with every medicine in the world. But people have to keep in mind there are more deaths in the world due to heart and cancer patients than corona patients. Remember, everybody has to keep these things in mind and not to get unnecessarily worried, not to get unnecessarily panicked.
things are improving. As such, without vaccination, today the recovery rate is 97%. It's a great achievement for our country, which is best in the world. The modern country, advanced country like USA, is having serious problem today, and they are going through the second phase, which we have overcome. So there are so many positives in India. So false negatives should be out. There are so many videos circulated by some interested people about initially some Harper, I think, had mentioned some video getting circulated that this is not a real issue. Corona is not there at all. So don't trust at all wrong things. Don't trust at all on such wrong thing. And you don't should not have any fears of vaccines or any side reactions. Vaccines will be safe, it will be efficacious, and it will be standard quality. Now, why I say this is because the government of India will be testing every batch manufactured in India for standards and efficacy of vaccine before it is released to the market. Remember this. No batch will come to the Indian market without approved by Government of India laboratory in Kasauli. And this laboratory has full responsibility to ensure the quality of every batch of vaccine. Over and above, these manufacturers are taking precaution. Every dose is compliant to the current good manufacturing practices. So be comfortable, be confident of what you are getting. Don't doubt about our own companies or in general about vaccines. We are having a very good quality. We are having a supplier to the global supplies of different kinds of vaccines. Rest assured, WHO and CDC USA are having full reliance on our companies. They have in the past standard approved their standards. They have approved their facilities of manufacturing. So rest assured, our vaccines will be extremely safe. Maybe some side effect. It will happen. It will vary with every individual. Most of the people may not face it. But 0.1% people may face some problem like pain, like fever, like swelling, some vomiting. It may happen. But don't get panicked with that. Don't run to the media with that news. It will create panic in India. As such, media is very strong. So my request to all the audience today is relax and have a, enjoy the doses which will be given to you in time to come. And I wish everybody all the best. Thank you very much, the organizers, for inviting me today to this lovely August gathering. I'm extremely happy to spend some time with Professor Khar, Professor Guptaji, Dr. Dipendra Singh Ji, PCI. I really appreciate invitation to me and giving opportunity to discuss and present myself to our audience. Thank you very much. I'm sorry. Thank you, sir. All the best, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. आगे बढ़ते हुए हम रुक करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर जी डी गुप्ता सर का. सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस 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 प्लीज. जी जी. सो तो सर लास्ट आपकी मोटिवेशनल टॉक, वैसे ही हम आपको मोटिवेशनल टॉक के लिए जानते हैं, सारी फार्मा फ्रेटर्निटी आपको इसीलिए जानती है. इसी कड़ी में बच्चों को मोटिवेट करें, गार्जियंस को मोटिवेट करें जो ये इस कार्यक्रम को सुनेंगे. प्रोफेसर गुप्ता सर प्लीज. तो थैंक यू वेरी मच. जैसा कि दीपेंद्र जी ने कहा है और कि डरने की जरूरत नहीं है, और आपको मैं बता दूं कि मैं ईश्वर का धन्यवाद ही कहूंगा कि 21 मार्च से जब लॉकडाउन हुआ, सिर्फ 7 दिन ऐसे थे कि मैं कॉलेज नहीं गया, और 7 दिन के बाद कोई दिन ऐसा नहीं है कि मैं कॉलेज नहीं गया. और आपको बता दें, ड्यूरिंग दी अप्रैल मंथ जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे, और वैसे तो मैं 5:30 या 6 बजे चल देता हूँ, उससे लेट ही कॉलेज से निकल पाता. उसका कारण है, जब हमारे यहाँ डीसी मोगा जी ने चेयरमैन साहब को अप्रोच किया
पांच सात दिन के बाद की जो मेजर प्रॉब्लम हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, तो क्या करें आप इसमें मेरी मदद कीजिए। चेयरमैन सर का मेरे पास फोन आया कि डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए, हमने क्या क्या करना चाहिए, हम सब्जी ले रहे हैं, हम दवाइयां ले रहे हैं, हमारे यहाँ दूध आ रहा है, हमारे यहाँ पनीर आ रहा है, हम ले रहे हैं, तो हम क्यों नहीं आ सकते। तो बोले तुम कैसे आओगे लुधियाना से, तो उन्होंने डीसी हमको परमानेंट जो है सीधा एक महीने का हमें कर्फ्यू पास मिला, और महीने महीने को कर्फ्यू पास मिला। मैं डेली लगभग लगभग 8:30 बजे निकलता था, सिर्फ जो कितना होता था जब मैं प्रकृति के साथ देखता था तो जरा कई बार निराशा होती थी। और मैं आपको एक अपना अनुभव बताता हूँ, एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे कुछ कपड़ों के साथ वहां पर बड़ा भी पुअर और गरीब कहें तो मैं कई बार जब जाता था तो रेस से एक्चुअली पुल के ऊपर से निकलता था, उसे देखता था यार इसको खाना कैसे पहुंचता होगा, कोई भी दिन ऐसा बाकी नहीं था उसके पास दो दो गाड़ियां खाना लेके आती थी। तो जहां मानव है और आप फियर फैक्टर से बाहर उठते हैं, और उन दिनों में मैं बताता हूँ कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम थी नियर बाई भेज में वो थी इंसुलिन की, कि लोग वाग इंसुलिन को स्टोर नहीं करते हैं गाँव में, वो जाते हैं लगवा के और अपने आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे कॉलेज ने ISF की 5 लोगों की टीम ने, जिसमें डॉक्टर नारंगी रेड क्रॉस सोसाइटी ने हमें एक ट्रक भर के दवाइयां भेजी कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है आप सिर्फ, तो हमने जो है अपने 5 मोबाइल नंबर पूरे प्लस किए थे मोगा डिस्ट्रिक्ट को, हमारे पास फोन पर मैसेज आता था, दवा का पैकेट बना करके हम गेट पर देते थे 50-50, 100-100 पैकेट, 10 पैकेट जो भी हमारे पास ऑर्डर आते थे, और हम पैसे का कार्यक्रम गवर्नमेंट का था वो पैकेट जाते थे, सिर्फ हमें हिसाब रखना था कि इस प्रिस्क्रिप्शन पर इतनी दवा गई है, तो उसमें काफी हद तक फ्री और बहुत 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 लो कॉस्ट की दवा थी। तो एक बहुत बड़ा तो कभी ये दिमाग में नहीं रहा, हाँ इतना जरूर रहा कि आज भी मैं गाड़ी में तभी बैठता हूँ, पहले घर में भी अभी धर्मपत्नी मास्क लगा के ही छोड़ती है, और जैसा लगा के जाते हैं सिर्फ भोजन के समय निकालते हैं वैसा ही लगा हुआ वापस आ जाते। तो ये सारी प्रक्रिया, दूसरा एक सैनिटाइजेशन का हमारे दोनों तरफ टेबल पर रखा हुआ है, एक अमूमन आदत है जब मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ तो 15-20 मिनट मुझे जरूरत है या नहीं है मैं अपने आप कर लेता हूँ, हमें देखता हूँ यहाँ पर हाथ पर थोड़े से रफ हो गए हैं बट कोई बात नहीं। तो पहली चीज है कि स्वयं को प्रोटेक्ट रखिए, चारों तरफ ध्यान रखिए और आप निकलते रहिए। आपको बता दें जितना ज्यादा फियर फैक्टर आप रखेंगे, हमारी पूरी बॉडी रिसेप्टर पर काम करती है, वो हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा रिसेप्टर ऑब्वियसली डाउन सिस्टम में जाता है और इम्यूनिटी हमारी और कम होती है। जब हम अपने मॉरल को ऊपर रखते हैं इम्यूनिटी बूस्ट रहती है, मॉरल वैल्यू अच्छी रहती है और हम सोसाइटी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो मेरा सोचना ये है कि आज की डेट में सिर्फ आप अभी देखिए बहुत सारी चीजें हैं हमारे जीवन में, एक प्रिकॉशन लेकर के आप आगे बढ़ते रहिए, मुझे लगता है कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, मुझे एक दो पंक्तियां अपनी याद आ गई हैं, और खार सर ने देखिए जैसे ही पंक्ति कहा तो सर ने जो है हमें इजाजत में लेना चाहता हूँ, और वो एक छोटी सी मैंने एक दिल हुआ था मैंने कभी लिखी थी, वो तो पूरी मानव संस्कृति के लिए पंक्तियां हैं, तो मैं इजाजत चाहूंगा सर इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। अरे रोज सवेरे उठ कर के एक नया नजारा देखा है कि बन किस किसी का कैसा है, मैंने आज सवेरे देखा है जीवन किस किसी का कैसा है, मैंने आज सवेरे देखा है। लॉकडाउन में मैंने बहुत त्रास दी लोगों की, भोजन के लिए त्रस रहे थे तभी मैंने लिखी जी। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। देखा कैसा है मैंने आज सवेरे देखा है कर पानी में तैर रहा, एक उठ पानी में तैर रहा, एक बिन पानी के बैठा है जीवन किसी का कैसा है,
मैंने आज सवेरे देखा है, अगली पंक्ति है, एक खा करके भी देख रहा। वैरायटी चेक करते हैं, होटल का मेन्यू देखते हैं, पांच चीज आती हैं, तीन खाते और फेंक देते हैं। एक खा करके भी फेंक रहा, एक बिन खाए भी सोता है। जीवन किसी किसी का कैसा है, मैंने आज सवेरे देखा है। अब मैं ईश्वर से निवेदन करता हूँ, हे ईश्वर सभी को इतना देना, हे ईश्वर सभी को इतना देना, हर जीवन अपना जी ले बे, हर जीवन अपना जी ले बे। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही मोटिवेशनल पंक्तियां थी सर आपकी, इस जीवन को समझने के लिए, इस दुनियादारी को समझने के लिए बहुत ही गूढ़ संदेश आपने दिया है सर अपनी पंक्तियों में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं इस मोटिवेशन के लिए। और अब लास्ट में एक फाइनल पंच हमारे फार्मा लोक मंच के मेंटर और हमारे सबके आदरणीय परम श्रद्धेय प्रोफेसर डॉक्टर आर के खार सर का, कि वो हम सबको मोटिवेट करें, हमारे बच्चों को मोटिवेट करें और हमारे गार्जियंस को मोटिवेट करें और हमारे मैनेजमेंट्स को भी मोटिवेट करें कि वो कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को ऑफलाइन मोड पे प्रैक्टिकली लाएं ताकि हम सबका भला हो। प्रोफेसर आर के खार सर, प्लीज। सब लोगों को मेरा अभिनंदन, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि एक आज इस तरह की एक अच्छी वार्ता हुई जिसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलिस्ट ने बहुत अच्छी बातें कही और कितने अच्छे अच्छे नए नए मुद्दे जो डिफिकल्टीज हैं हम सब लोगों को आ रही हैं इस पर बहुत अच्छी चर्चा हुई। एंड आई थिंक दिस फार्मालोक हैज बिकम अ वेरी गुड इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म एंड वी कैन डू better debates, more useful debates, and this debate also was quite useful because this is very contemporary. हम एक ही चीज कहना चाहेंगे सबको, क्योंकि समय अब काफी हो गया है, मतलब हम चाहते नहीं है सबका इतना ज्यादा समय खराब हो जाए। अच्छी इवनिंग है आज संडे की, तो मैं ये कहूंगा कि सबको ना पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए, एक अच्छी जो सोच है उसको फैलाना चाहिए। आपके संपर्क में बहुत सारे लोग आएंगे जो उल्टी बातें कहेंगे। मैं बताऊंगा कितने लोग मेरे साथ संपर्क में आते रहते हैं, मैं अपनी तरह से अपना कीमती समय देके उनके साथ समय बिताता हूं और उनको बताता हूं भाई ऐसी कोई बात ही नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया ना, मेरे से अभी किसी ने बताया सर ये किसी को वैक्सीन देने से एपिलेप्सी हो गई, किसी ने बोला हाँ सर ये इसमें बड़ी एलर्जी होती है। आई मीन दीज आर सच सिंपल थिंग्स, एंड ये टाइम जो है ना फेक न्यूज का है और लोग छोटी सी चीज को उभार लेते हैं, एग्जैजरेट करते हैं उसको। हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दवाई के बारे में जानते हैं, जिनको फॉर्मुलेशन के बारे में पता है, जिनको एडीएमई पता है, फार्माकोकाइनेटिक्स पता है, वो उसको समझा सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा, जैसे प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल यूज होता है, होता है ना, सॉर्बिटॉल यूज होता है, ग्लिसरीन यूज होता है फॉर्मुलेशन में, इस वैक्सीन में प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल यूज होता है। अब उसकी वजह से किसी किसी को हल्की फुल्की एलर्जी भी हो जाती है, इसको भी किसी ने बहुत एग्जेजरेट कर लिया। मेरा कहने का मतलब है कि देयर विल बी मेनी मेनी चैलेंजेस, यू नो, ड्रग इज ओनली अ रिजल्ट ऑफ बेनिफिट वर्सेस रिस्क। मेरे पास अभी भी सवेरे में लिफ्ट से आ रहा था, मैंने उनको अच्छी तरह से एडवाइस दिया, भाई कैसे हैं, घर में सब ठीक है, मैंने कहा अपना ध्यान रखिए, सफाई का रखिए। वो कहता सर कुछ भी नहीं है, तो भगवान का है, ये कुछ नहीं है सब, ये कुछ नहीं है, कोई कोरोना वायरस वायरस कुछ भी नहीं है। ऐसे भी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, इनको बताना है। मैं कहता हूँ कुछ तो सेमी एजुकेटेड है बहुत सारे लोग, और हमें एज अ फार्मास्यूटिकल पर्सन, एज अ फार्मासिस्ट, सब लोगों से बात करनी चाहिए। अगर कोई डिप्रेस्ड है, अगर कोई किसी वजह से उसकी नेगेटिविटी आई है,
उसके साथ बैठ के बातचीत करनी है और उसको उठाना है. दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू से. थैंक यू वेरी मच. आप सबका अभिनंदन. आप सबसे बात करके सुन के बहुत अच्छा लगा. इट हैज बीन अ ग्रेट लर्निंग. मेनी मेनी लर्निंग्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इन द कंट्री. सो नाइस एंड ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच सर. थैंक्स अ लॉट प्रोफेसर आरके खाओ सर. यू आर ऑलवेज एन इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन टू ऑल ऑफ अस. अब लास्ट में मैं अमित झा जी से आग्रह करूंगा कि वो प्लेटफॉर्म पे आए और हमारे माननीय अतिथियों का अभिवादन करें. और बहुमूल्य समय दिया है. एक रिकॉर्ड हो गया. एक घंटे का प्रोग्राम अमित जी हम लोगों ने फिर दो घंटे में पहुंचा दिया. तो बहुत ही अमूल्य समय दिया है हमारे अदानी कार सर ने, डीडी गुप्ता सर ने, जितेंद्र सिंह सर ने, रंजीत सर ने. तो लास्ट में मैं अमित झा जी को ओवर करूंगा. ओवर टू यू अमित झा जी. प्लीज ग्रीट. दो घंटे का बोला था. अच्छा जी सर. बहुत बहुत धन्यवाद सर. ये मुझे लगता है कि मेरे जैसे जितने भी शिष्य होंगे आपके, आज सभी जब ये कार्यक्रम उन तक पहुंचेगा जैसे जैसे, वो सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एक बहुत बड़ी चर्चा संवाद आपने आज की है और निश्चित रूप से ये समय इस बात का साक्षी है. जो निष्कर्ष आपने आज दिया है, अगर जो सलाह आप लोगों ने दी है, जो सुझाव आप लोगों ने दिए हैं, अगर उनको लोग फॉलो करें तो हम सुरक्षित रह करके भी, जैसे बाकी की चीजें हो रही हैं सर, हम पढ़ाई को भी आगे बढ़ा सकते हैं, शिक्षा को भी आगे बढ़ा सकते हैं. एक साफ साफ संदेश आज गया है लोगों के बीच में और बहुत अच्छे तर्क रखे सर. खासतौर से मैं बताना चाहूंगा जीडी गुप्ता सर के बारे में, बट मुझे बहुत व्यक्तिगत रूप से आनंद आया. और जो साक्ष्य कोविड को लेकर के प्रस्तुत किए हमारे रंजीत सर ने, वो भी एक बहुत शानदार था. दीपेंद्र सर ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से अपनी तरफ से जो सुझाव या जो मार्गदर्शन दिया हम सभी को, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था. और खास तौर से जो हमें आशीर्वाद मिलता रहा है आदरणीय खान सर का, और हम सभी को आज उनके दर्शन मिले, उनके फिर से एक बार मार्गदर्शन मिले, निश्चित रूप से ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण रहा. मैं सभी आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ सर. फार्मा लोग टीम की तरफ से संवाद के कार्यक्रम और कार्यक्रम से जुड़े हुए जो हमारे समस्त आदरणीय गुरुजन हैं, ये सभी आप सभी भी अपने अपने कॉलेजेस में प्रिंसिपल और डायरेक्टर के पोस्ट पर बैठे हैं और अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे साथ के जो और दूसरे कॉलेजेस हैं या टीचर्स हैं या बच्चे, उनको मोटिवेट किया जा सके. तो आप भी आभारी हैं. आप भी अभिनंदन के पात्र हैं सर इस कार्यक्रम को इतने अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने के लिए. मैं आशा करूंगा कि संवाद के इस मंच पर, फार्मा लोक के इस मंच पर आकर के आप समस्त गुरुजनों को भी एक थोड़ा सा खुशी प्रसन्नता अवश्य मिली होगी. अगर आप आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहना चाहें तो अवश्य कह सकते हैं. ये हमारे लिए आप लोगों का मार्गदर्शन होगा, आशीर्वाद होगा. Amit, indeed it was a pleasure for us too. And what I will say that talking in formal manner, we are day to day hum webinars kar rahe hain, formally baat kar rahe hain sabse. But this is a different platform where we are interacting informally. Hum bahut informally baat kar rahe hain, bahut practical hain, zindagi se jude hue tathyon ko share kar rahe hain, bahut sare logon ne share kiya. To ye apne aap mein bhi ek bahut acha initiative hai jo aap logon ne liya hai. और जिससे हमको बच्चों तक पहुंचने में मदद मिल रही, जो कि हमारा रियल टारगेट है अपने जीवन का. हमने एक एकेडमिक्स में टीचर का रोल लिया हुआ है, तो हमारे हमेशा से जो सबसे अच्छा जो मेरा अपना सपना रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल पाऊँ और उन तक पहुँच पाऊँ. तो शायद आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, इसलिए मैं खुश हूँ. सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ऑल सच लर्नड पीपल. थैंक यू. निश्चित रूप से मैं आगे भी सर आपका समय चाहूंगा. बहुत बहुत धन्यवाद सर. सुनाए सुनाए सुनाए.